गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज संतोष संतोष श्रीवास्तव फ्रॉम सुपर 60 एजुकेशन हब। और मैं आगे बढ़ूं बच्चों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी आप एडिटोरियल पढ़ते हैं इसका पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं, सुपर 60 संतोष सर के नाम से है। सुपर 60 SIXTY सुपर 60 संतोष सर के नाम से टेलीग्राम चैनल पर आप जाएंगे तो वहाँ इसका सारा पीडीएफ आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जितने भी सेशंस आपको पढ़ाए जा रहे हैं इन सारे के पीडीएफ्स वहाँ पे डाले जा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप चाहें तो बेहतर तरीके से वोकैब वगैरह अपना तैयार कर सकते हैं। और राजू के द्वारा एक क्विज उसमें डाला जा रहा है जो आप रोज़ सॉल्व करें, उससे भी आपकी वर्ड पावर में बहुत इजाफा होगा, बहुत बेहतर होगा आप, ठीक है। पर डे वो क्विज सॉल्व करें और पीडीएफ के द्वारा बेहतर स्टडी करें आप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने 20th सेशन की तरफ। और ये जैसा कि आप देख रहे होंगे आपके सामने, ये है आपका कोट दैट मोटिवेट्स यू, यानी वो कोट जो आपको इंस्पायर करता है, आपको मोटिवेट करता है। तो कोट क्या है आज का कि अपॉर्चुनिटीज डज नॉट हैपन, यू क्रिएट देम। यानी वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज डज नॉट हैपन, यानी जो अवसर होते हैं, अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ये जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं डज नॉट हैपन, ये अपने से घटित नहीं होती हैं बच्चों, यू क्रिएट देम, बल्कि आपको इन अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना होता है, अर्थात अवसरों को आपको क्या करना होता है, उत्पन्न करना होता है। यानी यदि आप चाहते हो कि अपॉर्चुनिटीज आपके पास आए तो ऐसा नहीं होगा, आपको अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना होगा, तब आप जिंदगी में एक सफल इंसान बन सकते हैं। यानी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज का वेट ना करें कि अब कोई अवसर आएगा, अब कोई अवसर आएगा, ऐसा वेट ना करें, बल्कि आप खुद अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करें ताकि उन अपॉर्चुनिटीज के थ्रू आप अपने जिंदगी में सक्सेस नाम की जो सबसे बड़ी चीज इस दुनिया में, वो आप हासिल कर सकें, ठीक है। तो इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करेंगे, न कि अपॉर्चुनिटीज का वेट करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। और ये नेक्स्ट सेक्शन आप मेरा जानते हैं, रिपीटेड वर्ड्स। आप देख रहे होंगे बच्चों, हर एडिटोरियल में 20 वर्ड्स मैं आपको वो देता हूं जो आप रिपीटेड वर्ड्स के नाम जानते हैं, लेकिन आप कहीं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचिए, इसका मतलब कि हर एडिटोरियल में वो कुछ फिक्स्ड वर्ड्स को क्या करते रहते हैं, यूज करते रहते हैं। तो क्यों नहीं इसका फायदा लें आप कि रेगुलर पढ़ें और उस सारे वर्ड्स धीरे धीरे क्या कर लें आप, तैयार कर लें, ठीक है। तो पहला रिपीटेड वर्ड आपका है सप्रेश, आपने अभी कल ही पढ़ा हुआ था सप्रेश। सोचें बच्चों, तब तक जब तक कि मैं न बताऊं तब तक आप सोचें कि आप कौन सा मीनिंग यहां पर तैयार कर रहे हैं सप्रेश के लिए, ठीक है। इनकन्वीनियंट भी आपने पढ़ा हुआ था, आउटब्रेक भी आपने पढ़ा हुआ है, पैंडेमिक भी आपने पढ़ा हुआ है, प्रोविजंस भी आपने पढ़ा हुआ है, इनएक्टेड भी आपने पढ़ा हुआ है, र्यूमर तो आप बचपन से जानते हैं आप, डिजास्टर भी आपने पढ़ा हुआ है, एग्रेजियस भी आपने पढ़ा था, डिसेंट भी आपकी रहती है, कर्ब भी आप 2-3 बार पढ़ चुके मेरे साथ, इंस्टांस आप वैसे भी पढ़ते होंगे, स्पेक्यूलेटिंग स्पेक्यूलेट आपने पढ़ा था, प्रोसिक्यूशन आपने पढ़ा था, पैनिक आपने पढ़ा था, समन आपने पढ़ा था, इन्वेस्टिगेशन तो नॉर्मल है बचपन से आप जानते हैं, इनवोक आपने पढ़ा था, एपिडेमिक आपने पढ़ा था, और सीवियर से सीवियरिटी भी आपने पढ़ा था। आप कभी आकलन करें, जैसे 20 वर्ड्स मैंने दिए हैं, आप ये देखें कि आपके कितने वर्ड्स तैयार हैं, क्या सप्रेस तैयार है आपका। सप्रेस मीन्स क्या होते हैं, सबड्यू कर देना, दबा देना, कोई अथॉरिटी फोर्स के बल पे, अथॉरिटी के बल पे जब लोगों की भावनाओं वगैरह को, लोगों को सबड्यू करती है, दबाती, अपने अधीन करती है, तो आप उन्हें सप्रेश कहते हैं। वो क्या करते हैं, सप्रेश करते हैं। सप्रेश एक और चीज होती है, अगर आपको याद हो, जैसे आंसू बहने वाले हैं बच्चों, आंसू जो हैं वो बहने वाले हैं, लेकिन आप उन्हें क्या कर ले रहे हैं, दबा दे रहे हैं, रोक ले रहे हैं, तो आप उन टीयर्स को क्या कर दे रहे हैं, सप्रेश कर दे रहे हैं, रोक ले रहे हैं, छिपा ले रहे हैं, आप उन्हें कॉन्सील कर ले रहे हैं। इस सेंस में भी सप्रेस का प्रयोग करते हैं, यानी इस सप्रेस का दो अर्थों में प्रयोग कर लिया, एक जो नॉर्मल है बच्चों, सबड्यू दबा देना, बल पर फोर्स के बल पर दबा देना किसी को, ये सबड्यू करना होता है, सप्रेस करना। और इसका दूसरा अर्थ क्या हो गया, ये अर्थ हो गया
कॉन्सील, छिपा लेना, दबा लेना, अंदर ही अंदर रोक लेना, इस सेंस में दोनों ये क्या है आपकी वर्ब्स हैं, क्योंकि सप्रेस एक वर्ब होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इनकन्वीनियंट। अक्सर अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं तो ये वर्ड यूज करें दो सेंसेस में। एक, जब आप किसी को कन्वीनियंट फील कराते हैं, मीन्स उसे एक तरह से सुविधाजनक स्थिति देते हैं, और एक जब आप उसे इनकन्वीनियंट फील कराते हैं, मीन्स असुविधाजनक स्थिति का एहसास कराते हैं। तो इनकन्वीनियंट असुविधाजनक, जैसे आप बस वगैरह में यात्रा करते हैं तो कभी कभी आपको ठीक से बैठने को नहीं मिलता है, तो पोजीशन वो कंडीशन कौन सी है, इनकन्वीनियंट है, असुविधाजनक है। आउटब्रेक आपने पढ़ा था, आउटब्रेक किसी चीज की शुरुआत हो जाना, उसका कहते हैं ना सेट टू कर देना, मीन्स आरंभ हो जाना, एक युद्ध वगैरह क्या होता है आउटब्रेक होता है, मीन्स छिड़ जाता है, शुरू हो जाता है, उसकी बिगिनिंग हो जाती है, उसकी स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है। नॉर्मली ये आउटब्रेक जो है आप महामारी वगैरह के सेंस में, युद्ध वगैरह के सेंस में आप यूज करते हैं। पैंडेमिक आपने पढ़ा हुआ है, पैंडेमिक महामारी जो पूरे विश्व भर में व्याप्त हो वो पैंडेमिक है, जो एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित हो वो एंडेमिक है, और जो बड़े क्षेत्र तक सीमित हो वो एपिडेमिक है। ये तीनों वर्ड से याद कर लीजिएगा, पैंडेमिक को, फिर एपिडेमिक को, और ये तीसरा वर्ड भी आप याद कर लें, सॉरी ई एन है, एंडेमिक। पैंडेमिक जो पूरे विश्व भर में बहुत मतलब हर क्षेत्र में व्याप्त हो ये पैंडेमिक है। एपिडेमिक को बड़े क्षेत्र में लेकिन हर जगह नहीं, बड़े क्षेत्र में व्याप्त हो। एंडेमिक एक विशेष क्षेत्र विशेष समुदाय तक क्या हो व्याप्त हो वो एंडेमिक होता है आपका। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आपका प्रोविजंस। प्रोविजंस समझते होंगे आप, प्रोविजंस क्या होते हैं प्रावधान, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं प्रोविजंस। प्रोविजंस किससे बने होंगे प्रोवाइड से, इसी से ना प्रोवाइड से प्रोविजंस बने। इनएक्टेड याद करिए, इनएक्टेड लागू करना, इनएक्ट मीन्स होता है किसी नियम किसी कानून को इनएक्ट करते हैं, उसे प्रभाव में ले आते हैं। इनएक्ट अर्थात किसी कानून वगैरह को अस्तित्व में लाना, कार्यान्वित करने के सेंस में आप यूज कर सकते हैं। र्यूमर आप जानते हैं बचपन से, एक जो हियरसाई होता है मीन्स अफवाह होती है वो आपका र्यूमर होता है। डिजास्टर भी आप जानते हैं, जो विनाशकारी होता है वो डिजास्ट्रस होता है, और डिजास्टर मीन्स विनाश, जो आपदाएं वगैरह होती हैं वो डिजास्टर्स होते हैं। एक वर्ड अगर आपको याद हो इसका, कैलॉमिटी याद है आपको, या अगर ये वर्ड याद हो आपको, एक मिनट बस, ये वर्ड अगर आपको याद हो कैटास्ट्रॉफी है ना, कैलॉमिटी कैटास्ट्रॉफी डिजास्टर, इनके मीन्स क्या होती आपदा होती, ठीक। एग्रीजियस क्या होते हैं, एग्रीजियस होता है जो चीज बहुत ज्यादा क्या हो हॉरिबल हो, मीन्स हो भयानक हो या टेरिबल हो, ये क्या होता है एग्रीजियस, भयानक भीषण के सेंस में। डिसेंट क्या होती है, जब आप किसी से बच्चों अपना एग्री करते हैं तो आप क्या करते हैं अपनी असेंट शो करते हैं, अपनी सहमति शो करते हैं, लेकिन जब आप किसी से डिसएग्री करते हैं तो आप क्या शो करते हैं अपनी डिसेंट शो करते हैं, असहमति शो करते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों ये दो वर्ड्स इसके साथ, और ये पहला ये भी डिसेंट है, इट डिसेंट मीन्स सभ्य शालीन जो होता है वो डिसेंट होता है, ठीक है। और एक और डिसेंट आप जानते हैं, ये डिसेंट नीचे की तरफ जाने का जो क्रिया होता है कार्य होता है वो डिसेंट होता है, डी ई एस सी ई एन टी, ये भी डिसेंट होता है। और तीसरा भी आज आपने जान लिया, डिसेंट असहमति को कहते हैं। कर्ब नाउन के रूप में एक लगाम होती है, लेकिन कर्ब एक वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। जब आप किसी चीज को क्या करते हैं बच्चों, आप ये प्रतिबंधित करते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं, तो आप क्या करते हैं कर्ब करते हैं, तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, कंट्रोल करते हैं, दिस इज कर्ब करना। इंस्टांस तो आपको याद होगा, फॉर इंस्टेंस मीन्स एग्जाम्पल,
स्पेक्यूलेट क्या होता है? देखिए, जब आप कहीं थिंक करते हैं ना, तो आप नॉर्मली किसी चीज पर विचार करते हैं। जैसे मैं सोच रहा हूं कि मैं घर चला जाऊं, ये थिंक कर रहे हैं आप। जब आप किसी चीज पर कंसिडर करते हैं ना, तो आप उस पर भी विचार करते हैं, लेकिन उसके परिणाम को ध्यान में रखे बिना आप कंसिडर करते हैं, अर्थात तो उसके परिणाम की परवाह नहीं करते हैं। लेकिन जब आप रेकन करते हैं, तो आप उसके परिणाम की परवाह करके रेकन करते हैं। जब आप ब्रूड करते हैं, तो आप देर तक चिंतन करते हैं, मीन्स उसी में डूब जाते हैं, आप ब्रूड करते हैं। और जब आप स्पेक्यूलेट करते हैं, तो भी आप हर तरफ देख समझ करके आप विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। यानी सबके मीन्स, थिंक मीन्स भी सोचना, विचार करना, कंसिडर मीन्स भी, रेकन मीन्स भी, ब्रूड मीन्स भी, स्पेक्यूलेट मीन्स भी। लेकिन थिंक नॉर्मल वे में यूज करिए आप, कंसिडर मीन्स विचार कर रहे हैं, हाँ बस सोच रहे हैं, रेकन उसके परिणाम की परवाह करके सोच रहे हैं आप, ब्रूड मीन्स बिल्कुल डूब गए हैं विचारों में, तो आप ब्रूड कर रहे हैं, और स्पेक्यूलेट हर पक्ष को ध्यान में रख करके जब आप सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो वो स्पेक्यूलेट करते हैं। ठीक है, उसी से आपका स्पेक्यूलेटिंग और स्पेक्यूलेशन बना। स्पेक्यूलेशन क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। स्पेक्यूलेटिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल या जिरंड हो जाएगा। और स्पेक्यूलेट क्या है? वर्ब हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है प्रोसिक्यूशन। पहले भी आपने पढ़ा है, और अगर आपको याद हो, प्रोसिक्यूशन बच्चों इससे बना है, प्रोसिक्यूट से। जब आप किसी पर मुकदमा चलाते हैं ना, लीगल इलीगल को ध्यान में रखते हुए, तो आप उस पर प्रोसिक्यूट करते हैं, मुकदमा चलाते हैं। इसी से क्या बन गया आपका? ये प्रोसिक्यूशन नाउन हो गया। इसकी दो मीनिंग हो गई, एक होता है आपका अभियोग और एक होता है अभियोजन। नहीं, लोग कहते हैं प्रोसिक्यूशन का पक्ष अभी उपस्थित नहीं हुआ है, यानी अभियोजन पक्ष अभी उपस्थित तो नहीं हुआ है। लेकिन कंफ्यूज नहीं होएगा बच्चों इस वर्ड से, परसिक्यूट। परसिक्यूट क्या होता है? किसी को टॉर्चर करना, टॉर्मेंट करना, मीन्स सताना, यातना देना। तो प्रोसिक्यूशन अभियोग या अभियोजन हो जाएगा। पैनिक क्या होता है आप जानते हैं बच्चों, हर तरफ जब फियर हो जाए, एक डर फैल जाए, मीन्स क्या फैल जाए बच्चों? फ्राइट फैल जाए, मीन्स हॉरर फैल जाए, मीन्स टेरर फैल जाए, तो ये क्या है? एक पैनिक है, मीन्स भय, आतंक, डर। जैसे ही वॉज पैनिक्ड, वो बहुत डर गया था, आतंकित हो गया था। समन जानते होंगे, जब कोर्ट या पुलिस किसी को कॉल करती है कि आप कोर्ट में क्या हो, उपस्थित हो, तो उन्हें समन करती है। जो बच्चे नए हो उनके लिए विशेष है कि ये समन वर्ब है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये कभी भी नाउन नहीं हो सकता है। इसको नाउन होने के लिए इसमें क्या जोड़ना होगा आपको? एस। ये अभी समन्स नाउन हो जाएगा, मैं इसे अच्छे से आपको समझा दे रहा हूं, देखें टाइम लगेगा बच्चों, लेकिन आप बेहतर समझ सकते हैं। देखें, ये क्या हो गया? समन। ये वर्ब हो गई आपकी वन फर्स्ट फॉर्म में। ये क्या हो गई? समन्स। ये क्या हो गया आपका? एसईएस फॉर्म हो गया आपका समन्स। ये क्या हो गया इसका? पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट, और पास्ट पार्टिसिपल यानी सेकेंड फॉर्म भी हो सकती है, और यही आपकी थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। और अब हम आते हैं, ये तीनों हमने क्या बताई? वर्ब्स। अब हम ये आते हैं नाउन पर। नाउन क्या होता है बच्चों? इसका समन्स। समन्स प्लूरल नहीं बच्चों, ये क्या है आपका? सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। इसका अगर आपको प्लूरल बनाना है, तो आप जानते हैं क्या होगा? समन्सेस होता है। क्या होता है? समन्सेस अगर आप यूज करते हैं, तब ये प्लूरल होता है। समन्स नाउन के रूप में सिंगुलर है, और समन्सेस प्लूरल होता है। तो समन यहां वर्ब हो जाएगी, बुलावा भेजना, कॉल करना। इन्वेस्टिगेशन आप जानते हैं, इन्वेस्टिगेट से बना है, नॉर्मल वर्ड है, आना चाहिए आपको। इनवोक, इनवोक क्या होता है? कॉल अपान करना, अर्थात आवाहन करना। जैसे आप किसी का आवाहन कर रहे हैं, तो आप उसे इनवोक कर रहे हैं, अर्थात आप उसे क्या कर रहे हैं? आप उसे कॉल अपान कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं आप। एपिडेमिक अभी मैंने कहा था, पैंडेमिक से थोड़ा सा छोटा होता है ये, अर्थात पैंडेमिक कह सकते हैं सबसे बड़ा भाई है।
एपिडेमिक दूसरा बड़ा भाई है और एंडेमिक जो है वो तीसरा बड़ा भाई है, और इन तीनों का जो चचेरा भाई है वो कौन है बच्चों? पेस्टिलेंस। ये किसी भी महामारी के लिए आप यूज कर सकते हैं। और सीवियरिटी है ना, ये लास्ट वर्ड आपका, सीवियरिटी समझते होंगे आप, सीवियर से बना। सीवियर क्या होता है? कोई सख्त, कोई कठोर चीज है वो बहुत सीवियर, स्पेशली बिहेवियर के सेंस में आप यूज करते हैं, ठीक है, व्यवहार के सेंस में। तो अगर सीवियरिटी आई टी वाई जुड़ गया इसमें, तुरंत समझ ले आई टी वाई मतलब नाउन हो गया, ठीक है, इसका मतलब कठोरता, सख्ती के रूप में आप इसको यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सारे रिपीटेड वर्ड्स थे और अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, और ये वोकैब आपका सेक्शन है। पहला वर्ड सेडेशन, एक वर्ड आपने पढ़ा होगा बच्चों, सेड्यूस, कंफ्यूज नहीं होएगा, सेड्यूस अलग है, सेडेशन अलग होता है। सेडिशन क्या होता है? राजद्रोह को, विद्रोह को कहते हैं, जबकि सेड्यूस क्या होता है? किसी का नाजायज लाभ लेना, यानी किसी को बहका करके अगर आप उसका नाजायज अनड्यू एडवांटेज लेते हैं तो आप उसे क्या करते हैं? सेड्यूस करते हैं, और इसी से बना आपका सेडक्शन, है ना, जैसे रिड्यूस से रिडक्शन, वैसे सेड्यूस से क्या है? सेडक्शन, और प्रोड्यूस से क्या है? प्रोडक्शन। देखिए कितना बढ़िया आपका राइम बन गया, क्या ये देखिए, रिड्यूस है, इससे आपने क्या बनाया? रिडक्शन। ये प्रोड्यूस है, इससे क्या बनाया आपने? प्रोडक्शन। तो ये सेड्यूस है, और इससे क्या बनाया आपने? सॉरी एस ई है, सिडक्शन। अगर एक और वर्ड याद हो आपको, ये वर्ड देखें, व्हाट व्हाट व्हाट, ये डिड्यूस, इससे क्या बना आपका? डिडक्शन। देखिए कितना बढ़िया राइम हो गया आपका, रिड्यूस से क्या बनाया आपने? रिडक्शन। प्रोड्यूस से क्या बनाया? प्रोडक्शन। सेड्यूस से क्या बनाया? सिडक्शन। और डिड्यूस से क्या बनाया? डिडक्शन। कितना बढ़िया बन गया आपका, ठीक है। तो ऐसे आप चाहें तो चीजों को बढ़िया से समझ सकते हैं किस तरीके से उनको यूज करना है। जितने में भी आई एन जी लगा है ना, ये सारी क्या है? आपके नाउन्स हैं, और ये जो रिड्यूस है, प्रोड्यूस है, सेड्यूस है और डिड्यूस है, सारी क्या है? वर्ब्स हैं आपके। तो सेडिशन क्या होता है? राजद्रोह या विद्रोह, मीन्स जब आप किसी के खिलाफ जाते हैं, किसी को भड़काते हैं लोगों को सरकार वगैरह के खिलाफ, तो आप पर कौन सा मुकदमा चलता है? सेडिशन का केस चलता है, मीन्स राजद्रोह का केस चलता है, जो यहां पे इस एडिटोरियल में मेन वर्ड है आपका, ठीक है। दूसरा वर्ड है सप्रेस, जो अभी आपने पढ़ा था, दोबारा मैंने दिया आपको। सप्रेस क्या होता है? जब अपनी फीलिंग्स वगैरह को दबा दें, भावनाओं को दबा दें, बहते हुए आंसुओं को रोक लें, तो आप सप्रेस करते हैं। लेकिन दूसरा सेंस आपको याद होगा इसका, जो मैंने बताया था आपको, सब डियो है ना, जब आप किसी को अधीन कर लें, अर्थात अपने बल के बल पर उसे दबा दें, तो आप उसे सप्रेस करते हैं। मैंने वही सेंस दिया है, दबाना या कुचलना, मीन्स किसी को पुट डाउन करना अपनी अथॉरिटी या फोर्स के बल पे, तो आप उसे सप्रेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका फॉल बैक अपॉन, अगर आप एक्सरसाइज सॉल्व करते होंगे एमबी वगैरह में, तो आप देखेंगे ये आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको शायद दिया गया था। फॉल बैक अपॉन मीन्स किसी चीज का सहारा लेना, जैसे मान लीजिए बच्चों आप खड़े हैं आप, और आपको खड़े होने में दिक्कत हो रही, और आप पीछे की तरफ चेयर वगैरह का सहारा ले रहे हैं, तो आप फॉल बैक अपान कर रहे हैं। आप इस वर्ड को ध्यान से देखें, फॉल बैक, बैक मीन्स पीछे, अपान उस चीज पर, अर्थात उस चीज का आप सहारा ले रहे हैं, उस चीज की तरफ रिट्रीट कर रहे हैं, अपने आप को रिसीड कर रहे हैं आप। उसी तरह सरकार अगर किसी चीज का सहारा लेती है, तो फिर वो फॉल बैक अपान कर रही, उस चीज के रिकोर्स के रूप में इस्तेमाल कर रही, अर्थात उसका आश्रय ले रही है, सहारा ले रही है। फॉल बैक अपान मीन्स टू हैव रिसोर्स टू रिसीड रिट्रीट विदड्रॉ, मीन्स सहारा लेना, उतर आना, पीछे की तरफ हट जाना, दिस इज फॉल बैक अपान, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, ये है आपके इंटिमिडेट, इंपॉर्टेंट वर्ड है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें जब भी आप किसी को बच्चों अपाल करते हैं, जब भी आप किसी को स्केयर करते हैं, जब भी आप किसी को फ्राइटेन करते हैं, जब भी आप किसी को डराते हैं, मीन्स उसे क्या करते हैं बच्चों? होरीफाई करते हैं, सॉरी होरीफाई करते हैं, क्या करते हैं?
टेरिफाई करते हैं, तो आप उसे क्या कर रहे हैं, डरा रहे हैं बच्चों। अगर आप उसे ये कर रहे हैं, ये वर्ड देखिए बढ़िया आपका, ओवर आ, ओ वी ई आर ए डब्ल्यू ए, ओवर आ करते हैं, तो आप उसे क्या करते हैं, डरा रहे हैं, आप उसे अपाल कर रहे हैं, स्केयर कर रहे हैं, फ्राइटन कर रहे हैं, होरीफाई कर रहे हैं, टेरिफाई कर रहे हैं, ओवर आ कर रहे हैं, मीन्स आप उसे इंटिमिडेट कर रहे हैं, मीन्स क्या कर रहे हैं, आप उसे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं आप उसे। टू मेक टिमिड यानी किसी को कायर बना देना, डरा देना, आर फियरफुल मीन्स उसे डरा देना, ठीक है, मीन्स डराना धमकाना, दिस इज इंटिमिडेट। मैंने वर्ड्स के यूसेज भी दिए, आप पीडीएफ लेकर के जरूर पढ़िएगा, इसको समझ जाएंगे आप। अलीज अक्सर आप यूज करते हैं, आप एक वर्ड याद होगा बच्चों आपको, ये एलिगेशन, एलिगेशन क्या होता है, नाउन के रूप में है ना, टी आई एन नाउन के रूप में होता है आरोप। लेकिन एलिगेशन कब यूज करते हैं, जब आपके पास अभी कोई प्रूफ न हो, यानी आपने अभी अपने आरोप के पक्ष में कोई प्रमाण, कोई एविडेंस, कोई प्रूफ नहीं दिया है, आपने कोई टेस्टिमनी नहीं दी, कल पढ़ा था आपने ना, कोई टेस्टिमनी नहीं दी है, तो आप अभी क्या कर रहे हैं, अलीज कर रहे हैं, केवल आरोप लगा रहे हैं, उसके पक्ष में सबूत नहीं, अर्थात आप क्या लगा रहे हैं, नाउन के रूप में एलिगेशन लगा रहे हैं। इसी में आप डी जोड़ देंगे, ये इसका सेकेंड फॉर्म भी हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा, और सबसे बड़ी चीज ये आपका एडजेक्टिव भी हो जाएगा। और अगर आप इसको एडवर्ब बनाएंगे तो एलिजेडली, एल वाई जोड़ देंगे, एलिजेडली मीन्स कथित तौर पर, अर्थात जिसका कोई प्रमाण नहीं होता है वो एलिजेडली होता है, ठीक है। तो एलिज मीन्स क्या हो जाएगा, आरोप लगाना, एसर्ट विदाउट प्रूफ आर बिफोर प्रूविंग, अर्थात बिना प्रमाण के जब आप किसी पर आरोप लगाते हैं तो आप उसे अलीज करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास प्रमाण है बच्चों ना, अगर आप लिखित रूप से कह रहे हैं कि हाँ इसने ऐसा किया, प्रमाण दे रहे हैं, तो आप क्या करें पता है, क्या करते हैं आप इंडिक्ट करते हैं। अगर आप उस पर अभियोग लगा रहे हैं तो आप क्या लगाते हैं, इम्पीच करते हैं बच्चों। इसी इम्पीच में अगर आप मेंट जोड़ देंगे ना, तो ये इम्पीचमेंट हो जाएगा। आप शायद जानते होंगे जब राष्ट्रपति वगैरह पे अभियोग लगाया जाता है तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम इम्पीचमेंट कहते हैं। ये कहां से बना, इम्पीच मीन्स अभियोग लगाना, आरोप लगाना, इंडिक्ट जब आप लिखित रूप से किसी पर आरोप लगाते हैं। ये वर्ड तो आप बचपन से जानते होंगे बच्चों, ब्लेम लिख रहा हूं मैं, ब्लेम किसी पर, इसके मीन्स भी आरोप लगाना, नॉर्मली ये कहने वगैरह के सेंस में हम ब्लेम करते हैं, किसी पर मिथ्या आरोप मढ़ देते हैं। तो एलिज मीन्स क्या हो जाएगा, आरोप लगाना। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्बैट, आप मूवी जरूर देखिएगा, हॉलीवुड की मूवी है, हिंदी वर्जन में आप देखना चाहिएगा, आपको अच्छी लगेगी, 10 पार्ट्स में। कॉम्बैट नाउन के रूप में क्या होती है, लड़ाई, यानी कोई फाइट है, कोई वार है, कोई बैटल है, ये सब क्या है, नाउन्स के रूप में है, कॉम्बैट मीन्स युद्ध, यहां मैंने वर्ब के रूप में दिया, लड़ाई करने के रूप में दिया है, तो बैटल मीन्स लड़ाई करना, काउंटर मीन्स प्रतिरोध करना, फाइट मीन्स लड़ना, अपोज मीन्स विरोध करना, अपीन मीन्स भी विरोध करना होता है, तो कॉम्बैट मीन्स लड़ाई करना, विरोध करना हो जाता है, मीन्स किसी से लड़ाई करना, ठीक है। जैसे आपको पोल्यूशन के खिलाफ लड़ना है, मीन्स स्ट्रगल करना है पोल्यूशन के खिलाफ, तो ये क्या करना है आपको, कॉम्बैट करना, ठीक है। आपको पैंडेमिक से लड़ना है बच्चों, ठीक है, इस कोरोना के पैंडेमिक से लड़ना है, तो आपको यू हैव टू कॉम्बैट द पैंडेमिक, आपको इस महामारी से क्या करना है, लड़ना है, ठीक है। तो कॉम्बैट क्या हो जाएगा, लड़ना, लड़ाई करना। नेक्स्ट वर्ड आपके हैं डिसग्रंटल, बहुत बार आप किसी को नाराज कर देते हैं, उसे रुष्ट कर देते हैं, असंतुष्ट कर देते हैं, तो आप उसे क्या कर देते हैं, डिसग्रंटल कर देते हैं, क्या कर देते हैं, तो उसे डिसग्रंटल, जब कोई नया वर्ड हो आपके लिए उसको ज्यादा फोकस करें आप, ताकि याद हो जाए। तो जब आप किसी को नाराज करते हैं बच्चों, तो क्या करते हैं आप उन्हें, डिसग्रंटल करते हैं, मीन्स आप उन्हें डिसकंटेंटेड कर दे रहे हैं, मीन्स अनसेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड कर दे रहे हैं, मीन्स क्या कर दे रहे हैं आप उन्हें, नाराज कर दे रहे हैं। टू मेक डिसकंटेंटेड मीन्स क्या कर रहे हैं आप उन्हें, असंतुष्ट, नाराज कर दे रहे हैं, स्ट्रेंज कर दे रहे हैं, एलिनेट कर दे रहे हैं, अर्थात इतना नाराज कर दे रहे हैं कि आप उनसे, वो आपसे अलग हो जा रहे हैं। तो डिसग्रंटल क्रोधित करना या रुष्ट कर देना। इसी बच्चों आप डी जोड़ देंगे तो ये आपकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और यही डी डिसग्रंटल अगर आप यूज करेंगे ना, ऐसे डिसग्रंटल्ड, अब ये एडजेक्टिव हो गया बच्चों, और इसकी मीनिंग हो जाएगी
नाराज, मीन्स डिससेटिस्फाइड, नाराज, और इसको नॉर्मली एडजेक्टिव के सेंस में ही डिसग्रंटल्ड को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड अभी आपने पढ़ा था, दोबारा आ गया, प्रोसिक्यूशन, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, अभी ये पीछे मैंने समझाया था। अभियोग, अभियोजन, मीन्स द एक्ट और प्रोसेस ऑफ प्रोसिक्यूटिंग, जब आप किसी पर मुकदमा चलाते हैं तो वो अभियोग या अभियोजन होता है, ठीक है, प्रोसिक्यूट से प्रोसिक्यूशन। नेक्स्ट वर्ड है फॉलआउट। कुछ ऐसी चीजें कभी कभी रिलेशंस में आ जाती हैं जो एक फॉलआउट की तरह होती हैं, यानी किसी विशेष घटना के कारण अगर कोई विवाद हो जाता है, कोई कलह हो जाती है, कुछ बुरा हो जाता है, तो वो उस विशेष घटना के कारण क्या हुआ, एक प्रकार का फॉलआउट हुआ। मींस कहीं कहीं यह एक अनप्लीजेंट इवेंट हो जाता है, मींस कहीं कहीं यह एक प्रकार का विवाद, एक कंट्रोवर्सी हो जाता है, ठीक है। तो फॉलआउट मींस विवाद, एक अनप्लीजेंट इवेंट या कोई बैड थिंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है परपोर्ट। परपोर्ट क्या होता है, इसी से आप समझते होंगे बच्चों, इंटेंड या पर्पज है ना, मींस परपोर्ट मींस इरादा करना, अर्थात अपना तात्पर्य बतलाना, अपना अर्थ लगाना कि हाँ ये मैं कहना चाह रहा हूं, दिस इज परपोर्ट। मींस जब आप किसी को परपोर्ट करते हैं, मींस आप उसे ये बताते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, दिस इज परपोर्ट करना, मींस अपना इरादा बताना, ठीक है। और ये नेक्स्ट वर्ड्स देख लेते हैं हम, ये लास्ट वर्ड्स आपके हैं, पेनलाइज। तो समझते होंगे ये वर्ड आप बचपन से सुने आए हैं, पेनाल्टी। पेनाल्टी से ही बच्चों अगर आप ये वर्ड देखें, पेनल कोड होता है ना आपका, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, जो धाराएं आप समझते होंगे आईपीसी की, ये पेनल से ही क्या बना है, पेनलाइज बना, जुर्माना लगाना वर्ब के रूप में और पेनाल्टी नाउन के रूप में, और ये पेनल क्या है आपका, एडजेक्टिव है आपका। तो पेनाल्टी और पेनलाइज याद कर लें, पेनलाइज मीन्स जब भी किसी शब्द के अंत में बच्चों आई एस ई देखें या आई जेड ई देखें, तुरंत कह दें वह क्या है, एक प्रकार की वर्ब है, क्या है बच्चों, वर्ब। जैसे ही आप ये वर्ड देखें ना, रियलाइज या जेड भी हो सकता है, रियलाइज मीन्स एहसास करना, तुरंत कह दें ये वर्ब है। अगर कुछ बच्चे आप ये ना जानते हो कि सर ये आई एस ई है और ये आई जेड ई है, ऐसा क्यों होता है, तो जब आप ब्रिटिश इंग्लिश यूज करते हैं तो आप आई एस ई लिखते हैं, और जब आप अमेरिकन इंग्लिश यूज करते हैं तो आई जेड ई यूज करते हैं। आपको किसको प्रीफरेंस देना है, नॉर्मली आई एस ई वाले शब्द को प्रीफरेंस देना है। अगर आपको ये लगे कि सर दोनों में से हम क्या करें, मैंने कहा ब्रिटिश इंग्लिश को प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि कंपटीशन में वही इंग्लिश आपकी मान्य है। ऐसे ही पेनलाइज भी हो गया, अगर आप जेड ई लिखते हैं तो ये अमेरिकन इंग्लिश हो जाएगी, एस ई लिखते हैं तो फिर ये ब्रिटिश इंग्लिश हो जाएगी, सही ना। अगर आपने एस ई लिखा आई एस ई तो ये क्या हो जाएगी, ब्रिटिश इंग्लिश, आई जेड ई लिखा तो ये क्या हो जाएगा, अमेरिकन इंग्लिश हो जाएगी। इसी रियलाइज से, पेनलाइज से आप चाहें तो समझ सकते हैं कि ये वर्ब है आपका। तो पेनलाइज मीन्स क्या होता है बच्चों, जुर्माना लगाना, टू इन्फ्लिक्ट अ पेनाल्टी ऑन, अर्थात किसी पर जुर्माना लगाना, उसे पेनलाइज करना होता है। आउटलेट्स, एक्चुअली आउटलेट्स क्या होते हैं, वो दुकानें होती हैं या वो बाजार होता है जहां से सामान क्या होता है, निकलता है, लेट आउट, यानी वहां से सामान बाहर निकल रहा है। लेकिन इस एडिटोरियल के सेंस में मैंने आउटलेट्स को दिया है, जो प्रसारण संस्थाएं होती हैं उन्हें भी आउटलेट्स कहते हैं, मीन्स अ पब्लिकेशन आर ब्रॉडकास्ट ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स जो प्रसारण संस्था है वो आउटलेट कहलाता है, मैंने यहां के सेंस में आपको दिया है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रीच। आप जानते हैं ये ब्रीच किससे बना है बच्चों, ब्रेक से। ब्रेक मीन्स क्या होता है, तोड़ना, उसी से ब्रीच बनाया गया आपका, मीन्स ब्रेक या वायलेट, जब आप किसी नियम, किसी कानून, किसी एग्रीमेंट को आप क्या करते हैं, तोड़ते हैं, तो आप क्या करते हैं, एक ब्रीच करते हैं, मीन्स ब्रीच मीन्स क्या, उल्लंघन करना, अर्थात ब्रेक करना, वायलेट करना, ठीक। और ये देखिए, आप सोचेंगे कुछ कभी बच्चों, जो बच्चे नए होंगे, डॉक्टर तो हम लोग केवल डॉक्टर को ही जानते हैं ना, जो ट्रीटमेंट करता है, तो मैं यहां कुछ चीजें आपको बता दूं बच्चों, देख लें आपके काम आएगा। सबसे पहले आप जाने कि डॉक्टर एक नाउन हो गया, जो ट्रीटमेंट करता है बच्चों। डॉक्टर एक वर्ब भी होती है, अर्थात किसी को ठीक करना, ट्रीटमेंट दे करके जब उसे ठीक करते हैं तो वर्ब के रूप में भी आप डॉक्टर का प्रयोग करते हैं, और ये डॉक्टर क्या है आपका, नाउन है।
लेकिन इसी वर्ब के रूप में एक और चीज होता है, जब आप अपने अनुसार किसी चीज को अडेप्ट करते हैं, अनुकूल बना लेते हैं, या उसमें क्या करते हैं, उसे मॉडिफाई करते हैं अपने अनुसार, तो आप उसे डॉक्टर कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान ली कोई डॉक्यूमेंट आपको दिया गया और कहा गया डॉक्यूमेंट आप रखे रहिएगा, और आपको पता है कुछ डॉक्यूमेंट में आपके लिए कुछ नुकसानदायक चीजें हैं, तो आप उसमें क्या करेंगे, कुछ काच पेच करेंगे, आप मीन्स कोई छेड़छाड़ करेंगे, इधर उधर अदला बदली करेंगे, तो यू आर डॉक्टरिंग द डॉक्यूमेंट, यानी आप उस डॉक्यूमेंट के साथ, दस्तावेज के साथ क्या कर रहे हैं, आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, मीन्स उसमें अदला बदली कर रहे हैं। दिस इज हेयर डॉक्टर, मैंने वर्ब के रूप में दिया, यहां लिखा नहीं बच्चों, ये वर्ब है आपके, टू अडेप्ट आर मॉडिफाई फॉर अ डिजायर्ड एंड, यानी अपनी इच्छित उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब आप किसी चीज को मॉडिफाई या अनुकूल बनाते हैं तो आप उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, अर्थात उसे डॉक्टर करते हैं आप, ठीक है। और लास्ट वर्ड है आपका बीफडल, बीफडल मतलब कंफ्यूज कर देना, किसी को परप्लेक्स कर देना, भ्रमित कर देना, परेशान करके रख देना, इतना परेशान कर देना कि बेचारा कंफ्यूज हो जाए, मीन्स भ्रमित हो जाए, दिस इज भ्रमित करना, मीन्स किसी को बीफडल कर देना, तो आई बी फडल यू, मैं आपको परेशान करता हूं, भ्रमित करता हूं, ये बी फडल यहां पे बच्चों वर्ब है आपकी, ठीक है। इसी में डी जोड़ देंगे ना तो फिर क्या हो जाएगी आपकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो जाएगी, एडजेक्टिव के रूप में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये आपके सामने है आज का एडिटोरियल बच्चों, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और ये वर्ड्स जैसा कि देख रहे होंगे, फेकिंग डेंजर, फेकिंग डेंजर, फेक तो आप बचपन से जानते हैं बच्चों, फेक कुछ और मत सोचिएगा, फेक मीन्स होता है नकली, और डेंजर मीन्स खतरा, तो फेकिंग डेंजर यानी फेकिंग एडजेक्टिव बना दिया गया यहां पे, अर्थात नकली चीजों का खतरा, यानी जो चीजें असली न हो, ओरिजिनल न हो, उनका डेंजर, उनका खतरा। आन फाइटिंग फेक न्यूज, और ये पूरा एडिटोरियल आपका किस पर है, फेक न्यूज पर है बच्चों, अर्थात जो गलत खबरें आती हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना, मैं न्यूज हंट खोलता हूं और पागल हो जाता हूं, अब तो बहुत कम कर दिया मैंने फेसबुक इस्तेमाल करना, न्यूज हंट इस्तेमाल करना, बहुत कम, अभी सारा ध्यान देख रहे होंगे जिंदगी की तरफ लगा हुआ है बच्चों, कि अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाया जाए। तो ये फेक न्यूज, न्यूज क्या होता है समझते होंगे, जैसे कभी लिखा रहेगा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर आक्रमण किया, बलूचिस्तान को अपने कब्जे में लिया, तो आप कहेंगे अरे क्या हो गया, ऐसा बहुत कुछ होता है, आप खुद समझदार हैं आप, दिस इज कॉल्ड फेक न्यूज। तो उससे फाइटिंग, लड़ाई, यानी इस फेक न्यूज के खिलाफ जो लड़ाई है, इसी पर ये पूरा क्या है आपका एडिटोरियल, ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए ये नेक्स्ट सबहेडिंग आपकी, यूज ऑफ सेडिशन लॉ टू फाइट फेक न्यूज इज एन अटेम्प्ट टू सप्रेस इनकन्वीनियंट रिपोर्ट्स। पहले एक एक शब्द को देखें बच्चों, यूज ऑफ से पहले है तो आप ये समझ गए होंगे ये सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट है तो आप ये भी समझ गए होंगे ये क्या है, नाउन है, आप भी सोचते रहिए बच्चों एक एक शब्द क्या है, आफ क्या है आप तुरंत समझ जाएंगे क्या है आपका, प्रीपोजिशन है, और अगर ये प्रीपोजिशन है तो सब बच्चे समझ जाएंगे सेडिशन ला क्या हो जाएगा, एक कंपाउंड नाउन, जैसे होता है ना बर्थडे, ये क्या है आपका कंपाउंड नाउन, पुलिस स्टेशन ये क्या है आपका कंपाउंड नाउन, ग्रीन हाउस ये क्या है आपका कंपाउंड नाउन, वैसे सेडिशन ला ये क्या है आपका कंपाउंड नाउन। तो यूज हो गया आपका नाउन ऑफ प्रीपोजिशन सेडिशन ला कंपाउंड नाउन, टू फाइट ये टू फाइट वर्ब के पहले देखे क्या लगा है बच्चों टू, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा यहां पे इन्फिनेटिव, और जैसे इन्फिनेटिव आए ना आप तुरंत समझ जाएं कि उसकी हिंदी ना नी ने से ऐसे निकलेगी, टू फाइट यानी इसका हिंदी क्या हो जाएगा लड़ना लड़ने के लिए ये सेंस हो जाएगा। फेक न्यूज ये तो वर्ब हो गई आपकी इन्फिनेटिव के रूप में हो गई, किससे लड़ना फेक न्यूज, न्यूज क्या है बच्चों आप बचपन जानते हैं नाउन है, अगर नाउन है तो फेक क्या हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा। इस अब देखिए वर्ब आपकी मेन वर्ब आ गई आपकी, क्योंकि ये वर्ब नहीं बच्चों आप जानते हैं टू फाइट इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव जेरंड और पार्सिपस जो होते हैं ये नॉन फेनाइट्स होते हैं, अर्थात ये मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते हैं, तो
तुम्हारी मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? इज़ो। ये क्या हो गई? मेन वर्ब यहाँ पे हो गई। एन बचपन से आप जानते हैं आर्टिकल है। आर्टिकल के आने का मतलब ही है बच्चों कि इसके बाद या तो कोई एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा या इसके बाद कोई नाउन होगा। तो एन के बाद देखे क्या है? सीधे अटेम्प्ट आ गया। इसका मतलब ये यहां क्या है? नाउन हो गया प्रयास के अर्थ में। फिर टू सप्रेस, ये क्या हो जाएगा आपका यहां पे? वर्ब हो जाएगी। वर्ब के पहले क्या है? टू, इसका मतलब इन्फिनिटिव है और इसके हिंदी भी क्या निकलेगी? नानी ने हो जाएगी। सही है। फिर किस चीज को सप्रेस करना? इनकन्वीनियंट रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स नाउन होगा तो फिर इनकन्वीनियंट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। सही बच्चों, यानी इनकन्वीनियंट एडजेक्टिव और रिपोर्ट्स नाउन हो जाएगा। समझ में आया होगा थोड़ा बहुत? ऐसे धीरे धीरे पहचानना सीखें, मेरे साथ रहें, धीरे धीरे आप मास्टर हो जाएंगे, समझने लगेंगे आप। चलिए बच्चों, तो यूज ऑफ सेडिशन लॉ इतना पहले पढ़ लें आप, यानी राजद्रोह का जो नियम है, कानून है, उस राजद्रोह के कानून का जो उपयोग है किस चीज के लिए? टू फाइट, मैंने कहा नानी नहीं आएगा, लड़ने के लिए। किस चीज से लड़ने के लिए बच्चों? फेक न्यूज से। यानी जो गलत खबरें आती हैं, अपुष्ट खबरें आती हैं, उनसे लड़ने के लिए जो हमारे पास सेडिशन लॉ है, राजद्रोह का कानून है, उस कानून का जो उपयोग है वो उपयोग इस, देखिए है ना, प्रीपोजिशन से पहले सब्जेक्ट है आपका, यूज सिंगुलर, यहां इज है आपका। यानी सेडिशन लॉ जो है, जो फेक न्यूज से लड़ने के लिए है, उस सेडिशन लॉ का उपयोग इज एन अटेम्प्ट, क्या है? यह एक प्रयास है टू सप्रेस, क्या करने के लिए? दबा देने के लिए। क्या दबाने के लिए? इनकन्वीनियंट रिपोर्ट्स, ऐसी खबरों को जो आपके लिए क्या है? इनकन्वीनियंट है, मीन्स असुविधाजनक है, अर्थात जो आपको कहीं असहज करते हैं, अर्थात आपको कहीं कहीं ट्रबल करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, अपसेट करते हैं, अर्थात ऐसी खबरों को आप क्या करना चाहते हैं बच्चों? दबा देना चाहते हैं। और दबाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं कि उस फेक न्यूज को लड़ने के लिए आप सेडिशन लॉ का क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। आप नहीं समझ पा रहे हो, बिल्कुल ईजी है ये बच्चों। एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं आपसे कि ये जो यूज ऑफ सेडिशन लॉ आप करते हैं, अर्थात जो राजद्रोह के कानून का इस्तेमाल आप करते हैं, ये कहते हुए कि टू फाइट फेक न्यूज, कि आपको गलत खबरों से लड़ना है, इज एन अटेम्प्ट, वास्तव में आपका यह एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा आप दबा देना चाहते हैं उन खबरों को जो खबरें आपके लिए, यानी सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए क्या नहीं होती है? सही नहीं होती है, मीन्स सुविधाजनक नहीं होती बल्कि असुविधाजनक होती है। यानी चूंकि सरकार के लिए वो खबरें क्या है बच्चों? असुविधाजनक है, उसे परेशान कर सकती हैं, इसीलिए आप उसे उन खबरों क्या कर देना चाहते हैं? दबा देना चाहते हैं। किस लिए? इसलिए क्योंकि आप कहते हैं कि खबरें क्या हैं? फेक न्यूज हैं। और फिर ये फेक न्यूज से लड़ने के नाम पर आप ऐसे लोगों पर क्या करते हैं? सेडिशन लॉ का उपयोग करते हैं, राजद्रोह का कानून चलाते हैं, जो लोग ऐसी खबरें ले आते हैं जो खबरें आपके लिए क्या हों? इनकन्वीनियंट हों, असुविधाजनक हों। समझ गए होंगे आप। चलिए बच्चों, ये टोन जो है आपकी ना, ये टोन जो बच्चों, ये है टोन। अगर आप एक वर्ड जानते हो, सरकास्टिक। सरकास्टिक क्या होता है? व्यंगात्मक, यानी व्यंग से भरा हुआ टोन है सरकार के खिलाफ। कि जब जब सरकार के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं, जब जब सरकार के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं जो रिपोर्ट्स सरकार के पक्ष में ना होकर के उसके विपक्ष में होती हैं, तो सरकार कहती है कि इस तरीके के अगर गलत खबरें चलाई जाएंगी तो इससे क्या होगा? कहीं कहीं नुकसान होगा, मतलब देश का नुकसान होगा, और इसके नाम पर ऐसे खबरों को चलाने वालों के खिलाफ सरकार क्या करती है? सेडिशन लॉ ले आती है, मीन्स राजद्रोह का कानून ले आती है, उसका उपयोग करती है। और लेखक कह रहा है ये कहीं कहीं जो सरकार करती है वह एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा वह अपने से संबंधित खबरों को जो उसके लिए नुकसानदायक हों, उन खबरों को दबाने का क्या करती है? प्रयास करती है। बच्चों ये आप अपनी शुरुआत से समझते होंगे, जब से आपने समझना शुरू किया होगा, सभी सरकारें, कोई भी सरकार हो, सभी सरकारें अपने हिसाब से चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं।
तो चौथा स्तंभ जो जर्नलिज्म है, मैं जो पत्रकारिता है, सरकार उसे भी कहीं कहीं चाहती है कि वो उसके अनुसार चलें, सरकार के अनुसार चलें। पर जैसा कि आप समझदार हैं, समझते होंगे, सारे न्यूज़पेपर्स, सारे चैनल्स ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपके अनुसार चलें। तो जब वो कहीं सरकार को लगता है कि वो उनके खिलाफ लिख रहे हैं, जिससे उनकी छवि पर, उनके मकसद पर नुकसान पहुंच सकता है, तो सरकार इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाती है कि इससे देश में कहीं अव्यवस्था की स्थिति होती है, लोग कंफ्यूज होते हैं, परप्लेक्स्ड होते हैं, कहीं कहीं कन्फाउंड हो जाते हैं, अर्थात बीफडल्ड हो जाते हैं, और फिर इस नाम पर वह उन रिपोर्टर्स या प्रसारण संस्थाओं के खिलाफ सेडिशन ला ले आती है, मीन्स राजद्रोह का मुकदमा करती है कि आप देशद्रोह कर रहे हैं, इसलिए आपके खिलाफ कहीं कहीं ये मुकदमा चलाया जाएगा। ये कहते हुए कि आप पैनिक फैला रहे हैं, मीन्स क्या कर रहे हैं, लोगों में आप डर व्याप्त कर रहे हैं। बच्चों, आप अगर दोनों पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे ना, कि सरकार दोषी या वो इस तरीके खबरें, तो आप पाएंगे कुछ मामलों में सरकार का कहना सही भी होता है और कुछ मामलों में सरकार अपने को बचाने की भी क्या करती है, कोशिश करती है। जहां सरकार सही होती है वहां पे वो टाइट हो जाती है, और जहां सरकार को लगता नहीं वो लुंज पुंज की अवस्था में है, मीन्स कहीं कहीं ढील ढाल की अवस्था में है, तो वहां पे वो अपने आप को सेफ करने के, उन पत्रकारों को या ऐसी संस्थाओं को सबड्यू करने की, अर्थात उनको कहीं कहीं सप्रेस करने की क्या करती है, कोशिश करती है। और इसमें करती क्या है, उनको जेल में डाल देती है, उसमें मुकदमा कर देती है, या झूठे ही इन्वेस्टिगेशन के नाम पर उन्हें क्या करती है, परेशान करती है। और जब चार बार उन्हें पुलिस थाने पर बुलाया जाएगा तो पत्रकार के मन में तो कहीं कहीं आ ही जाएगा कि भैया माफ करो, अब मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूं, कौन चार बार दौड़ेगा। दिस इज टू सप्रेस, मीन्स एक तरह से उनको क्या कर देना, दबा देना। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, किसी भी सरकार, ऐसा मत समझिएगा अभी की सारी सरकारें ऐसा करती हैं, और विश्वास करें आप भी अगर पावर में रहेंगे तो आपके मन में भी रहेगा कि आप उस पावर का क्या करें, आप इस्तेमाल करें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम इस एडिटोरियल पर और देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, देखें, करें द फ्रीक्वेंसी, समझते होंगे बच्चों द फ्रीक्वेंसी, जैसे द लगा तो आप समझ जाएंगे ये नाउन है ना आपका। फ्रीक्वेंसी मीन्स कोई चीज कितनी बार हो रही है, हाउ मेनी टाइम्स इट ऑकर्स, यानी कितनी बार ये होती है, ये फ्रीक्वेंसी होती है। नाउन में आप मैथ्स में आप पढ़ते होंगे बारंबारता, द फ्रीक्वेंसी यानी वो बारंबारता विद विच जर्नलिस्ट हैव बीन, है ना, जर्नलिस्ट हैव बीन अरेस्टेड। बच्चों कुछ चेंज सीखें धीरे धीरे, जैसे आपने देखा कि जर्नलिस्ट नाउन है, नाउन के बाद हैव बीन आया, प्लूरल है, हैव बीन आया, बिल्कुल सही है, लेकिन हैव बीन के बाद तो वर्ब में आई एनजी होनी चाहिए ना, लेकिन नहीं है, तो इसका अर्थ निकाले बच्चों, इसका मतलब ये थर्ड फॉर्म है ना, तो इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस में नहीं, ये पैसिव वॉइस में है। अब ये पैसिव एक्टिव समझने क्या मतलब, समझते हैं आप ना, कि अगर ये रहता जर्नलिस्ट हैव बीन अरेस्टिंग रहता तो जर्नलिस्ट गिरफ्तार कर रहे होते, लेकिन है नहीं ऐसा, यहां हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म है, मतलब पैसिव है, यानी जर्नलिस्ट गिरफ्तार कर नहीं रहे हैं, जर्नलिस्ट को गिरफ्तार किया गया है, ये सेंस हो जाएगा। ठीक है, इसे फायदा लें, जैसे हम कहें अगर आई एम कॉलिंग, ये एम के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, सही है, मतलब मैं खुद बुला रहा हूं, लेकिन अगर यहां होता, अगर यहां होता बच्चों आई एम बीइंग कॉल्ड, अब यहां पे आई एम बीइंग कॉल्ड थर्ड फॉर्म आ गई, इसका मतलब कि मैं बुला नहीं रहा हूं, मुझको बुलाया जा रहा, ये अंतर आ जाएगा दोनों का। तो करें द फ्रीक्वेंसी यानी जितनी बार विद विच जर्नलिस्ट हैव बीन अरेस्टेड, यानी जितनी बार जर्नलिस्ट को क्या किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, कब से, सिंस द आउटब्रेक, याद है आउटब्रेक किसी चीज का शुरुआत होना, बिगिनिंग होना, स्टार्ट होना, यानी सिंस द आउटब्रेक, सिंस क्यों लगा बच्चों, क्योंकि हैव बीन था ना, परफेक्ट टेंस आपका, यानी सिंस द आउटब्रेक, यानी आउटब्रेक ऑफ द कोविड 19 पैंडेमिक, यानी इस कोविड 19 का जो महामारी है इसकी शुरुआत से, है ना, सिंस मीन से जर्नलिस्ट हैव बीन अरेस्टेड, जर्नलिस्ट को गिरफ्तार किया गया है, द फ्रीक्वेंसी जितनी बार गिरफ्तार किया गया है इज क्वाइट डिस्टर्बिंग, ये चेयर था, जितनी बार उन्हें डिस्टर्ब किया, अरे गिरफ्तार किया गया है, इज क्वाइट डिस्टर्बिंग, ये बहुत ही क्या है बच्चों, डिस्टर्बिंग है,
परेशान करने वाला है। क्या परेशान करने वाला है कि इतनी बार यानी बहुत बार उन जर्नलिस्ट को गिरफ्तार किया जा चुका है, कब से, सिंस द आउटब्रेक ऑफ द कोविड 19 पैंडेमिक, अर्थात जब से कोरोना वायरस की महामारी शुरू हुई, इसकी शुरुआत से जितनी बार उन्हें गिरफ्तार किया गया, मीन्स बहुत बार उन्हें गिरफ्तार किया गया है, और ये चीज इज क्वाइट डिस्टर्बिंग, क्या है, बहुत परेशान करने वाली। पता है बच्चों, इज क्वाइट, ये इस किसके लिए है, द फ्रीक्वेंसी के लिए है, क्योंकि विद प्रीपोजिशन इसके बाद आपकी वर्ब नहीं आएगी, इसके पहले के अनुसार वर्ब आएगी। द फ्रीक्वेंसी सिंगुलर था इसलिए इस क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। ठीक है, चले द रीजन्स, समझते होंगे कारण। अब जैसे आपने द प्लस रीजन्स समझा ना, थोड़ा समझ जाए, नाउन है आपके, द रीजन्स गिवन बाय, अब ये भी सोचे बच्चों, क्या रीजन्स के बाद किसी भी अवस्था में गिवन आ सकता है वर्ब के रूप में, कभी नहीं, कोई अवस्था नहीं। अगर यहां हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव होता तो आप गिवन ले लेते, सीधे गिवन आ गया, इसका मतलब ये मेन वर्ब नहीं है, तो फिर है क्या, एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल किया गया। यानी द रीजन्स यानी वो कारण, कौन से कारण, गिवन, जो दिए गए, अर्थात विच आर गिवन, ऐसे बनाना सीखें, जो दिए गए हैं बाय द पुलिस, किसके द्वारा, किसके द्वारा दिए गए हैं, पुलिस के द्वारा, अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस इंडिया पूरे भारत भर में, यानी पूरे भारत भर में पुलिस के द्वारा जो रीजन्स दिए गए हैं, किस लिए, फॉर अरेस्टिंग रिपोर्टर्स एंड एडिटर्स ऑफ न्यूज पोर्टल्स, यानी जो रिपोर्टर्स हैं, यानी जो खबरें देते हैं, यानी जो संवाददाता होते हैं, एंड एडिटर्स मीन्स संपादक होते हैं ऑफ न्यूज पोर्टल्स, किनके, समाचार पत्रों, जो पोर्टल्स होते हैं, अर्थात पोर्टल को पोर्टल ही समझे बच्चों, वैसे पोर्टल मीन्स द्वार या प्रवेश द्वार होता है, लेकिन पोर्टल को पोर्टल समझे, अर्थात वो स्थान जहां पे न्यूज वगैरह छपती हैं, उनसे संबंधित जो एडिटर और रिपोर्टर्स हैं। ठीक है, फिर से देखें बच्चों, ये करें द रीजन्स, वो कारण, कौन से कारण, विच आर गिवन बाय द पुलिस, जो पुलिस द्वारा दिए गए हैं अक्रॉस इंडिया, कहां पर, पूरे भारत भर में, किस लिए, फॉर अरेस्टिंग रिपोर्टर्स, रिपोर्टर्स को अरेस्ट करने के लिए, एंड एडिटर्स, और एडिटर्स को अरेस्ट करने के लिए, ऑफ न्यूज पोर्टल्स एंड समाचार पत्रों के, यानी समाचार पत्रों के एडिटर्स और रिपोर्टर्स को अरेस्ट करने के लिए पूरे भारत भर में पुलिस ने जो क्या दिया है बच्चों, जो कारण दिए हैं, रीजंस दिए हैं, वो कारण इंडिकेट, ये इंडिकेट किसके लिए, याद है ना, द रीजंस प्लूरल है ना, तो वो रीजंस जो हैं वो ये बताते हैं, उनसे ये पता चलता है दैट की स्पेशल प्रोविजंस, के जो विशेष प्रोविजंस, याद है, प्रोविजंस मींस रूल्स, प्रावधान, जो विशेष प्रावधान है इनएक्टेड टू प्रिवेंट, जो किस लिए लागू किए गए हैं, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए द स्प्रेड ऑफ र्यूमर, किस चीज को रोकने के लिए, अफवाहों को रोकने के लिए, ड्यूरिंग डिजास्टर्स, किस दौरान, विपदाओं के दौरान, आपदाओं के दौरान, महामारियों के दौरान, वो स्पेशल प्रोविजंस बच्चों, दैट के बाद यही था ना, देखिए वर्ब नहीं आए थे, वो स्पेशल प्रोविजंस आर, वो विशेष प्रावधान आर बीइंग यूज्ड, उनका क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है टू सप्रेस, क्या करने के लिए, दबाने के लिए, रिपोर्टिंग, किस चीज को दबाने के लिए, खबरों को दबाने के लिए, ऑन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, किन खबरों को, जो राजनीतिक गतिविधियों पर खबरें होती हैं, एंड और किन खबरों को दबाने के लिए, पॉसिबल गवर्नमेंटल करप्शन, पॉसिबल गवर्नमेंटल करप्शन, यानी जो संभावित सरकारी भ्रष्टाचार होता है, उस संभावित भ्रष्टाचार को दबाने के लिए और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को दबाने के लिए, उन खबरों को दबाने के लिए इनका उपयोग किया जा रहा है, किनका उपयोग किया जा रहा है बच्चों, स्पेशल प्रोविजंस का, विशेष प्रावधानों का, वो प्रावधान इनएक्टेड जिन्हें लागू किया गया था टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ र्यूमर, जिनको उन अफवाहों को रोकने लागू किया गया था ड्यूरिंग डिजास्टर्स, जिन अफवाहों को कब फैलाया जा रहा हो, आपदाओं के दौरान, विपत्तियों के दौरान फैलाया जा रहा हो, उन स्पेशल प्रावधानों का प्रयोग पुलिस क्या कर रही है, आर बीइंग यूज्ड, उनका उपयोग कर रही है
टू सप्रेस रिपोर्टिंग, कि खबरों को दबाया जा सके। कौन सी खबरों को? ऑन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, जो राजनीतिक गतिविधियों पर होती हैं। और किन खबरों को दबाने के लिए? जो संभावित सरकारी भ्रष्टाचार होता है। समझ रहे होंगे बच्चों कि इन खबरों को दबाने के लिए पुलिस जो है, अर्थात एक तरह सरकार जो है, वो किनका इस्तेमाल कर रही है? विशेष प्रावधानों का इस्तेमाल कर रही है। वर्ड समझते होंगे आप अब, फेकिंग जो नकली है, फेक न्यूज समझते होंगे, सेडिशन ला राजद्रोह का कानून, अटेम्प्ट प्रयास सप्रेश, दो अर्थों में आप अपने आंसुओं को, अपनी भावनाओं को दबा लेते हो तो भी सप्रेश करते हो, और अगर आप लोगों को दमन करते हो, दबा देते हो तो भी आप उन्हें सप्रेश करते हैं। इनकन्वीनियंट, असुविधाजनक, असहज, फ्रीक्वेंसी जितनी बार कोई चीज हो रही है, आउटब्रेक किसी चीज का प्रारंभ शुरुआत, पेंडेमिक महामारी पेस्टिलेंस, अक्रॉस इंडिया पूरे भारत भर में, न्यूज पोर्टल्स जहां समाचार पत्र वगैरह संपादित होते हो, लिखे जाते हो, स्पेशल प्रोविजंस विशेष प्रावधान, इनेक्टेड जो लागू हुए थे टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, स्प्रेड ऑफ र्यूमर अफवाहों को फैलने से, ड्यूरिंग डिजास्टर्स आपदाओं के दौरान, सप्रेश याद हो गया, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स राजनीतिक गतिविधियां, और पॉसिबल गवर्नमेंटल करप्शन। देखिए गवर्नमेंटल, गवर्नमेंट में एल जुड़ा है बच्चों ना, ये तुरंत समझ जाए एडजेक्टिव हो जाएगा, तो करप्शन क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पॉसिबल क्या हो जाएगा? डिटर्मिनर की तरह काम करेगा एक तरह से, या एडवर्बियल के रूप में काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। द मोस्ट एग्रीजियस केस, यानी सबसे जो भयानक केस है, मामला है, सबसे जो भीषण मामला है, इन्वॉल्व्स अ क्रिमिनल प्रोविजन, अर्थात वो इन्वॉल्व करता है, उसमें शामिल होता है क्या? अ क्रिमिनल प्रोविजन, यानी एक आपराधिक प्रोविजन, प्रावधान, याद हो गया। ये जो सबसे भयानक मामला है जिसमें एक आपराधिक प्रावधान इन्वॉल्व है, शामिल होता है, दैट की गवर्नमेंट्स की जो सरकारें हैं, इनवेरिएबली बिना बदले, अर्थात लगातार निरंतर रूप से फॉल बैक अपान, याद है फॉल बैक अपान, आसरा लेना, सहारा लेना, कि सरकारें सहारा लेती हैं टू सप्रेस डिसेंट। किस चीज को दबाने में बच्चों? डिसेंट को दबाने में, डिसेंट मीन्स असहमति को दबाने में। इस सरकारों को जैसे ही लगता है कि ये आदमी इनके खिलाफ लिख रहा है, तो वो उस असहमति को दबाने के लिए फॉल बैक अपान, सहारा लेती हैं सरकारें। किस चीज का? इन क्रिमिनल प्रोविजन का, मीन्स आपराधिक प्रावधानों का। और यही क्या है? द मोस्ट एग्रीजियस केस है, मीन्स ये भयानक मसला है, भीषण मसला है, कि सरकारें जो हैं इस प्रकार से असहमति को दबाने के लिए इस प्रकार के क्रिमिनल प्रोविजन का फॉल बैक अपान क्या लेते हैं? सहारा लेते हैं, आश्रा लेते हैं। द अरेस्ट ऑफ धवल पटेल, अब जैसे आपने द अरेस्ट ऑफ देखा ना, तुरंत समझ जाए जो अगली वर्ब आएगी वो किसके अनुसार आएगी? द अरेस्ट के अनुसार। ठीक है, तो द अरेस्ट ऑफ, यानी अरेस्ट है यहां क्या बच्चों? नाउन है, ध्यान रखे, वर्ब नहीं। अरेस्ट मीन्स गिरफ्तार करना भी होता है, और अरेस्ट मीन्स गिरफ्तारी भी होती है। ठीक है, क्योंकि इसके पहले देखिए क्या लगा है? द लगा, आर्टिकल लग गया। ठीक है, द अरेस्ट ऑफ, ध्यान रखिए बच्चों, द ए और एन अगर किसी शब्द से पहले लगे हैं तो आप तुरंत समझ जाए वो हर हाल में उसके आगे नाउन या नाउन फ्रेज ही होगा, हर हाल में। इवन आप ये समझते हैं ना, जैसे वाक क्या होता है बच्चों? टहलना वर्ब होता है ना, लेकिन अवाक क्या है? नाउन हो जाएगा। टाक क्या होता है? बात करना होता है ना, वर्ब है ना, लेकिन अटाक क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। हेल्प क्या होता है? सहायता करना होता है ना, वर्ब के रूप में होता है, लेकिन अहेल्प क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। क्यों ये नाउन क्यों हो गए? क्योंकि इनके पहले हमने क्या ले लिया बच्चों? आर्टिकल ले लिया। दिस इज द रीजन। तो जैसे अरेस्ट, अरेस्ट के पहले आपने द देखा, तुरंत समझ जाए नाउन हो गया, मीन्स सब्जेक्ट हो गया। द अरेस्ट ऑफ धवल पटेल, नहीं, जो धवल पटेल की गिरफ्तारी है, ये सेंस हो जाएगा। जो धवल पटेल की गिरफ्तारी है, जो कि है कौन बच्चों? एडिटर ऑफ अ न्यूज पोर्टल इन गुजरात। ये एडिटर ऑफ न्यूज पोर्टल इन गुजरात पता है क्या है? इसे आप केस इन अपोजिशन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं?
केस इन अपोजिशन। ये केस इन अपोजिशन कब यूज होता है? जब आप इसके पहले आए हुए, इस पूरे फ्रेज के पहले आए हुए नाउन के बारे में आप बता रहे होंगे, तो वह पूरा केस इन अपोजिशन होता है। केस इन अपोजिशन को आप बदल कैसे सकते हैं? ऐसे बच्चों, देखिए नाउन था ना धवल पटेल, कोई व्यक्ति है, तो आप टेंस के आधार पे हु इज जोड़ लें यहां, हु इज। अब देखिए क्या हो जाएगा, द अरेस्ट ऑफ धवल पटेल, यानी धवल पटेल की गिरफ्तारी, और मत बढ़िया आ गया अभी वर्ब के रूप में। अब धवल पटेल के बारे में क्या कि हु इज एडिटर ऑफ अ न्यूज पोर्टल इन गुजरात, समझते होंगे जो गुजरात में एक न्यूज पोर्टल के क्या है, एडिटर है, संपादक है। अब उल्टा बोल दें, अर्थात गुजरात में एक न्यूज पोर्टल के संपादक धवल पटेल की जो गिरफ्तारी है, किस पर बच्चों? ऑन द, अभी भी आपके पास वर्ब नहीं आई, ऑन द सीरियस चार्ज ऑफ सेडिशन। ये ऑन द सीरियस चार्ज ऑफ सेडिशन क्या है? ये प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है? ये एक एडवर्ब या एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। ये भी उस नाउन या अगर वर्ब के बगल में है तो वर्ब के बारे में बताएगा, लेकिन ये किसके बारे में बता रहे हैं बच्चों? इसी धवल पटेल के बारे में। उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई? ऑन द सीरियस चार्ज, सीरियस चार्ज एक गंभीर आरोप, चार्ज मीन्स आरोप, एक गंभीर आरोप पर। कौन सा आरोप? आप सेडिशन मीन्स राजद्रोह का। फिर से देख लें बच्चों, करें द अरेस्ट ऑफ धवल पटेल, यानी धवल पटेल की गिरफ्तारी, एडिटर ऑफ अ न्यूज पोर्टल इन गुजरात, जो कि गुजरात में एक न्यूज पोर्टल के एडिटर हैं, किस पर गिरफ्तारी हुई? ऑन द सीरियस चार्ज ऑफ सेडिशन, यानी राजद्रोह के गंभीर आरोप पर उनकी गिरफ्तारी हुई। वो द अरेस्ट, अब देखिए वर्ब मिल रही है आपको बच्चे, वो गिरफ्तारी इज अ शॉकिंग इंस्टेंस, समझते होंगे, इज अ शॉकिंग इंस्टेंस, यह एक बहुत ही शॉकिंग यानी आघात पहुंचाने वाला इंस्टेंस है, उदाहरण है। अर्थात शॉकिंग क्या हो, देखिए ए क्या हो गया आर्टिकल, तो शॉकिंग क्या हो जाएगा यहां पे एडजेक्टिव, तो इंस्टेंस क्या हो जाएगा नाउन, यानी वो गिरफ्तारी एक आघात पहुंचाने वाला उदाहरण है। किस चीज का? ऑफ मिसयूज, प्रीपोजिशन के बाद है, ये भी नाउन हो जाएगा, यानी कि गिरफ्तारी जो है वो एक मिसयूज है, आप दुरुपयोग कर रहे हैं ऑफ क्रिमिनल लॉज, किनका दुरुपयोग कर रहे हैं आप, इन आपराधिक कानूनों का, किस लिए कर रहे हैं? टू इंटिमिडेट जर्नलिस्ट, ताकि आप उन पत्रकारों को क्या कर सकें बच्चों, इंटिमिडेट कर सकें, याद करें, आप उन्हें अपाल कर सकें, आप उन्हें स्केयर कर सकें, आप उन्हें फ्राइटन कर सकें, आप उन्हें डरा सकें, आप उन्हें मीन्स होरिफाई कर सकें, टेरिफाई कर सकें, ओवर आ कर सकें, ठीक है। इसलिए आप इस प्रकार के क्रिमिनल लॉज को क्या कर रहे हैं बच्चों, इसका मिसयूज कर रहे हैं आप। किस लिए मिसयूज कर रहे हैं? ताकि आप उन जर्नलिस्ट को क्या कर सकें, दबा सकें, मीन्स डरा सकें, और इसीलिए आप उन पर चार्ज ऑफ सेडिशन, सीरियस चार्ज ऑफ सेडिशन, आप उन पे राजद्रोह का गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और ये चीज क्या है, इस प्रकार से गिरफ्तारी जो है यह एक शॉकिंग इंस्टेंस है, बहुत आघात पहुंच दुख देने वाली उदाहरण है। द केस यानी वो मसला, कंसर्न एन आर्टिकल स्पेक्यूलेटिंग दैट, यानी कंसर्न यहां क्या है बच्चों, वर्ब के रूप में है, संबंधित होना, यानी यह केस संबंधित था एन आर्टिकल, एक आर्टिकल से, स्पेक्यूलेटिंग, जो आर्टिकल विचार कर रहा था दैट कि स्टेट चीफ मिनिस्टर, कि राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, विजय रूपाणी जानते हैं आप, मे बी रिप्लेस्ड, ये मॉडल देखिए, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पैसिव वॉच, यानी वो रिप्लेस करेंगे नहीं, उन्हें रिप्लेस किया जा सकता है बाय द बीजेपी, किसके द्वारा, बीजेपी के द्वारा, किसी भी पार्टी के नाम के पहले द लगाते हैं, यानी बीजेपी के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। क्यों हटाया जा सकता है? फॉर हिज अलीज्ड इनेप्ट हैंडलिंग, क्योंकि कहा जा रहा है हिज अलीज्ड इनेप्ट हैंडलिंग, इनेप्ट मीन्स अयोग्य, अडेप्ट मीन्स योग्य, तो उनकी उस, कहा जा रहा है कि तथा कथित अयोग्यतापूर्ण हैंडलिंग, यानी जो वो चीजों को संभाल रहे हैं वो इतनी अयोग्यतापूर्ण संभाल रहे हैं कि उन्हें इसके लिए रिप्लेस किया जा सकता है, किसके द्वारा, बाय द बीजेपी। और ये कहां से पता चला? उस आर्टिकल से, जिस आर्टिकल में ये स्पेक्यूलेट किया गया था, मीन्स ये
चिंतन किया गया था, विचार किया गया था। क्या विचार किया गया था बच्चों? दैट कि स्टेट चीफ मिनिस्टर की, राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी को मे बी रिप्लेस्ड, हटाया जा सकता है बाय द बीजेपी। किसके द्वारा? बीजेपी के द्वारा। क्यों हटाया जा सकता है? फॉर हिज अलीज्ड इनेप्ट हैंडलिंग, क्योंकि वो चीजों को अयोग्यतापूर्ण तरीके संभाल रहे हैं। ऑफ एफर्ट्स, उन प्रयासों में टू कॉम्बैट, जिसमें वो लड़ रहे हैं द पैंडेमिक, किससे? इस महामारी से। यानी उल्टा बोले, इस महामारी से लड़ने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो, उन प्रयासों में उनके जो हैंडलिंग है, यानी जो संभालने का कार्य है, उस संभालने के कार्य में वो क्या साबित हो रहे हैं? इनेप्ट, अयोग्य साबित हो रहे हैं, अलीज्ड। और ऐसा उन पर क्या लगाया जा रहा है? आरोप लगाया जा रहा है। और ये आरोप कौन लगा रहा है बच्चों? उस आर्टिकल में जो ये विचार कर रहा है कि हाँ, उन्हें क्या किया जा सकता है? रिप्लेस किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ठीक है, द रिपोर्ट, वो जो खबर थी, हैड इवन जब किसी नाउन के पहले हो तो आप समझें भी का सेंस होता है। द रिपोर्ट हैड इवन नेम्ड अ पॉसिबल सक्सेसर, यानी जिसके पहले इवन है उसी के पहले भी लगाई, यानी उस रिपोर्ट में यह भी नाम दिया गया था अ पॉसिबल सक्सेसर, कि उनका संभावित सक्सेसर कौन होगा। सक्सेसर बच्चों समझते हैं ना, ये होता है उत्तराधिकारी, मींस द पर्सन हु इज गोइंग टू टेक योर प्लेस, वह व्यक्ति जो आपका स्थान लेने जा रहा होता है वो क्या होता है? सक्सेसर होता है। ठीक है, यानी वो जो रिपोर्ट थी उसमें वो संभावित नाम भी बताया गया था कि वो पॉसिबल सक्सेसर कौन है, कि विजय रूपाणी के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। और ये सब कुछ स्पेक्यूलेट किया गया था बच्चों, कहां? उस आर्टिकल में, जिस आर्टिकल को लिखने के कारण धवल पटेल को क्या कर लिया गया था बच्चों? गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, वर्ष देख लें, एग्रीजियस याद हो गया आपको, कोई चीज जो बहुत क्या हो बच्चों, हॉरिबल हो या क्या हो, टेरिबल हो, वो क्या है? एग्रीजियस है, भयानक है, भीषण है। और क्रिमिनल प्रोविजन क्या हो जाएगा? आपराधिक प्रावधान। इनवेरिएबली, निरंतर, बिना बदलाव के, बिना बदले, ये आपका इनवेरिएबली होता है। और ये वर्ड याद हो गया अब आपको, फॉल बैक अपॉन, एग्जाम में काम आएगा आपको, आसरा लेना, सहारा लेना किसी चीज का, रिकोर्स का सहारा लेना, किसी आश्रय लेना। सप्रेस याद हो गया, दबा देना, अधीन कर लेना। डिसेंट याद हो गया, असहमति, असेंट, सहमति। और कोई वर्ड आपका बच्चों? सीरियस चार्ज, गंभीर आरोप। सेडिशन मीन्स राजद्रोह। शॉकिंग इंसिडेंट, ये सेडिशन बच्चों समझते हैं ना, सेडिशन इसको कहते हैं। एजिटेशन, या फिर आप कहें, ये डबल बी है बच्चों, रेबल राउजिंग, यानी जब आप भीड़ को उद्वेलित करते हैं, इंसाइट करते हैं, यह आपका सेडिशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, और कोई वर्ड? इंटिमिडेट याद हो गया आपको, मीन्स डराना किसी को, भयभीत करना, धमकाना उसे। और कोई? रिप्लेस, किसी को हटाया जाना। अलीज्ड, तथा कथित, जिस पर आरोप लगाया है आपने। इनेप्ट, अयोग्य, मीन्स अयोग्यतापूर्ण कह सकते हैं आप। कॉम्बैट याद हो गया, फाइट करना, लड़ना, स्ट्रगल करना। पैंडेमिक याद हो गया, महामारी। और सक्सेसर, द पर्सन हु इज गोइंग टू टेक योर प्लेस, मीन्स उत्तराधिकारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करें, इट इज बी फडलिंग, बिल्कुल आसान, बी फडलिंग, भ्रम उत्पन्न करने वाला, यही होगा। इट इज बी फडलिंग, यानी ये क्या है आपका? बी फडलिंग है, ये भ्रम उत्पन्न करने वाला या मूर्खतापूर्ण है कि हाउ, कि कैसे सच और रिपोर्ट, देखिए रिपोर्ट सिंगुलर है ना, तो सच और रिपोर्ट के बीच में क्या आ गया? ए आ गया। अगर ये प्लूरल होता तो ये ए नहीं लगता आपका। ठीक है, सच मीन्स ऐसा, ऐसी। करें, इट इज बीफडलिंग, ये भ्रमित करने वाला, मूर्खतापूर्ण है कि हाउ, कि आखिर कैसे सच और रिपोर्ट, कि ऐसी खबर कुड अमाउंट टू सेडिशन, कि आखिर ऐसी खबर एक राजद्रोह कैसे हो सकती है? आप उसे राजद्रोह के बराबर, उस राजद्रोह के अमाउंट टू,
अर्थात उस राजद्रोह के बराबर कैसे ले सकते हैं। रिगार्डलेस अगर हम इसकी परवाह न भी करें ऑफ वेदर द स्पेक्यूलेशन इज ट्रू, कि वो जो स्पेक्यूलेशन है मीन्स वो जो चिंतन है जो कंसिडरेशन है वो सही है या नहीं, यानी रिगार्डलेस ऑफ वेदर द स्पेक्यूलेशन इज ट्रू, अगर हम इस चीज को भूल भी जाएं परवाह न करें कि क्या वह स्पेक्यूलेशन वो चिंतन सही है या गलत, अगर हम इसे छोड़ भी दें तो इस तरह की एक खबर आखिर कुड अमाउंट टू सेडिशन, राजद्रोह के बराबर हाउ कैसे हो सकती है, इट इज बीफडलिंग, ये बड़ा ही मूर्खतापूर्ण है, भ्रम उत्पन्न करने वाला है। ऑफन टाइम्स अक्सर बहुत बार द सोर्स ऑफ सच स्पेक्यूलेशन, इस प्रकार के चिंतन का जो सोर्स होता है मीन्स जो स्रोत होता है, अगर बच्चों आप मन में आएगा सर यहां पे तो आपने ए नहीं लिया क्योंकि यहां स्पेक्यूलेशन अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज किया गया है बच्चों, ठीक है, करें अक्सर क्या होता है द सोर्स ऑफ सच स्पेक्यूलेशन, इस प्रकार के चिंतन का जो स्रोत होता है वो क्या होता है स्रोत, इज अ डिसग्रंटल्ड सेक्शन, वो क्या होता है स्रोत, वह एक नाराज सेक्शन होता है, खेमा होता है किसका, ऑफ द रूलिंग पार्टी इटसेल्फ, खुद सरकार की तरफ से, यानी अक्सर इस प्रकार का चिंतन का स्रोत क्या होता है कि सरकार के कोई न कोई ऐसा खेमा होता है जो सरकार से क्या होता है डिसग्रंटल्ड नाराज होता है, एंड और इट इज एक्सेसिव टू पनिश, और ये बहुत ज्यादा है कि आप सजा दें दंडित करें रिपोर्टेज इस प्रकार की खबर को विद इनएडिक्वेट वेरिफिकेशन, वो भी जिसका आपने पूरी तरह से क्या नहीं किया हो, वेरिफिकेशन भी न किया हो, जांच भी न किया हो, विद अरेस्ट, और आप क्या कर रहे हैं इसमें गिरफ्तारी कर रहे हैं, एंड प्रोसिक्यूशन फॉर सेडिशन, और राजद्रोह का क्या लगा रहे हैं आप, प्रोसिक्यूशन अभियोग लगा रहे हैं एक ऐसी खबर के लिए बच्चों जिसमें इनएडिक्वेट वेरिफिकेशन है, अर्थात अपर्याप्त जांच पड़ताल हुई है, और ऐसी इनएडिक्वेट वेरिफिकेशन के बावजूद आप एक्सेसिव टू पनिश अर्थात आप उसे बहुत अधिक क्या कर रहे हैं दंडित कर रहे हैं, ठीक है। मिस्टर पटेल, कौन मिस्टर पटेल, धवल पटेल, ठीक है, मिस्टर पटेल हैज आल्सो बीन चार्ज्ड, पैसिव एक्शन है, उन्होंने चार्ज नहीं लगाया, उन्होंने आरोप नहीं लगाया, उन पर आरोप लगाया गया है, मिस्टर पटेल हैज आल्सो बीन चार्ज, देखिए हैज और बीन के बीच में आल्सो आया, जो एडवर्ब ऑफ इस तरीके आल्सो है या फिर इवन वगैरह है दोनों के बीच में डाल दें आप, ठीक है, यानी मिस्टर पटेल हैज आल्सो बीन चार्ज्ड, मिस्टर पटेल को, मिस्टर पटेल पर यह भी आरोप लगाया गया है अंडर सेक्शन 54 किसके अंतर्गत, धारा 44 के अंतर्गत, 54 के अंतर्गत, यानी उन पर धारा 54 के अंतर्गत भी आरोप लगाया गया है, कौन सी धारा, ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जो धारा किसके लिए है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के लिए, यानी आपदा प्रबंधन कानून के लिए है, फार जो किस लिए बनी है, फार एलिजेडली स्प्रेडिंग पैनिक, जिसमें तथा कथित तौर पर स्प्रेडिंग पैनिक, आप क्या फैला रहे हैं बच्चों, आप पैनिक फैला रहे हैं, भय फैला रहे हैं, थ्रू अ फॉल्स अलार्म, किसके द्वारा, एक गलत अलार्म के द्वारा, यानी आप एक ऐसा खतरा बता रहे हैं जो खतरा क्या है, फॉल्स है, गलत है, कंसर्निंग अ डिजास्टर, जो किससे संबंधित है, उस आपदा से, डिजास्टर से संबंधित है, फिर से देखें, देखें आप देख लें कहां से, यहां से, मिस्टर पटेल हैज आल्सो बीन चार्ज्ड अंडर सेक्शन 54, उन्हें सेक्शन 54 के अंतर्गत भी क्या किया गया है, आरोप लगाया गया है, ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जो सेक्शन किसके लिए है बच्चों, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के लिए है, किस लिए बनाया गया ये एक्ट, फॉर एलिजेडली स्प्रेडिंग पैनिक, जिसके अंतर्गत यह बताया गया कि अगर आप जानबूझकर एक तरह से आप क्या फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं, थ्रू अ फॉल्स अलार्म, किस चीज के द्वारा डर फैला रहे हैं आप, एक गलत खबर के द्वारा, कंसर्निंग अ डिजास्टर, जो खबर किसके लिए है, किससे संबंधित है, आपदा से संबंधित, तो इस चीज का भी उन पर क्या लगाया गया है, आरोप लगाया गया है, अर्थात उन पर आरोप लगाया गया कि आप लोगों के अंदर क्या फैला रहे हैं, भय पैनिक फैला रहे हैं।
द एडिटर्स गिल्ड, बच्चों ये संस्था है जो पत्रकारों के हितों की रक्षा करते, ठीक है। इस समय जहां तक मुझे याद है शायद रजत शर्मा जी इसके, या जो NBA है उसके अध्यक्ष हैं रजत शर्मा जी, एडिटर्स गिल्ड के हैं, नहीं मैं क्लियर नहीं हूं। द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, यानी भारत में जो पत्रकारों की संस्था एडिटर्स गिल्ड है उनके संरक्षण के लिए हैज, चूंकि संस्था एक है इसलिए हैज लगाया गया, हैज सीन, इस संस्था ने देखा है, पाया है क्या, ग्रोविंग पैटर्न, कि एक ऐसा पैटर्न, एक ऐसा तरीका ग्रो कर रहा है, मीन्स बढ़ता जा रहा है। कौन सा तरीका बच्चों? इन द मिसयूज ऑफ क्रिमिनल लॉज, कि वो संस्था देख रही है कि अब क्रिमिनल लॉज का क्या हो रहा है, मिसयूज होता जा रहा है, किस लिए, टू इंटिमिडेट जर्नलिस्ट। और एक क्रिमिनल लॉज का मिसयूज क्यों किया जा रहा है, टू इंटिमिडेट जर्नलिस्ट, ताकि उन पत्रकारों को क्या किया जा सके, डराया जा सके, उन्हें हड़काया जा सके, ठीक है। चलिए वर्ड्स देख रहे होंगे, पहला वर्ड आपके सामने बीफडलिंग, बीफडल से बनाए, भ्रमित कर देना, परेशान कर देना किसी को, अमाउंट टू बराबर होना, किसी चीज के समान होना, सेडिशन राजद्रोह याद हो गया, रिगार्डलेस यानी किसी चीज को छोड़ दे भी तो, यानी उसकी परवाह न भी करें तो, उस पर ध्यान न भी दे तो, यानी इफ यू आर नॉट गोइंग टू टेक केयर ऑफ, यानी यदि उस चीज का ध्यान न भी दें तो, दिस इज कॉल्ड रिगार्डलेस। स्पेक्यूलेशन याद हो गया, चिंतन आपका कंसिडर करने का कार्य, ऑफन टाइम्स अक्सर, स्पेक्यूलेशन याद हो गया, डिसग्रंटल याद कर लीजिएगा, नाराज, जो नाराज खेमा होता है, रुष्ट खेमा होता है, वो डिसग्रंटल्ड सेक्शन होता है। रूलिंग पार्टी सरकार को कहते हैं, एक्सेसिव जरूरत से ज्यादा, रिपोर्टेज खबर को कहते हैं, इनएडिक्वेट अपर्याप्त, जो कम होता है, लैक करता है, वो इनएडिक्वेट होता है। और चार्ज्ड यानी आरोप लगाया गया, पैसिव वॉइस में था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आपदा प्रबंधन कानून, एलिजेडली तथा कथित रूप से, स्प्रेडिंग पैनिक भय फैलाना, थ्रू अ फॉल्स अलार्म गलत खबरों के द्वारा, कंसर्निंग अ डिजास्टर यानी जो डिजास्टर से संबंधित हो, और ग्रोविंग पैटर्न बढ़ता हुआ तरीका यानी प्रचलन में आता हुआ तरीका, कौन सा तरीका बच्चों, क्रिमिनल लॉज का मिसयूज हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ताकि पत्रकारों को इंटिमिडेट किया जा सके, उन्हें डराया जा सके, उन्हें स्केयर किया जा सके, उन्हें फ्राइटेन किया जा सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, दिस इज लास्ट पैसेज आपका, करें द कंसर्न, यहां द कंसर्न नाउन है, इसका मतलब याद है कंसर्न, मैंने कल भी बताया था आपको, ये वरी चिंता, द कंसर्न इज नॉट मिसप्लेस्ड, और ये जो कंसर्न है एडिटर्स गिल्ड का, वो कंसर्न, वो चिंता इज नॉट मिसप्लेस्ड, वो गलत नहीं है, मिसप्लेस्ड मीन्स गलत, वो चिंता उनकी गलत नहीं है, क्यों, क्योंकि देखें इन द अंडमान, समझते हैं अंडमान एंड निकोबार, कह रहे हैं कि इन द अंडमान अ रिपोर्टर, एक रिपोर्टर वाज अरेस्टेड, पैसिव वॉइस वाज अरेस्टेड थर्ड फॉर्म, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, किस लिए, फॉर अ सोशल मीडिया पोस्ट, क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाल दी, कौन सी पोस्ट बच्चों, क्लेमिंग, जिसमें उसने दावा किया था कि पीपल, उसने क्या दावा किया था, कि वो लोग हु हैड कॉन्टेक्टेड अ COVID-19 पॉजिटिव पेशेंट ओवर फोन, उसने ये दावा किया था सोशल मीडिया पोस्ट में कि वो लोग जिन्होंने कॉन्टेक्ट किया था COVID-19 पॉजिटिव पेशेंट्स को ओवर फोन, वो भी कैसे कॉन्टेक्ट किया था, फोन पर कॉन्टेक्ट किया था, पीपल वो लोग भी वर आल्सो बीइंग क्वारंटाइंड, उन्हें भी क्या किया जा रहा था, क्वारंटाइन किया जा रहा था, कौन से लोग बच्चों, जिन्होंने एक COVID-19 पॉजिटिव पेशेंट से किस पर बात की थी, फोन पर बात की थी, ऐसे लोगों को भी क्या किया जा रहा था, गिरफ्तार किया जा रहा था, वर आल्सो बीइंग क्वारंटाइन, सॉरी उन्हें भी क्वारंटाइन कर दिया गया जो फोन पे बात कर रहे थे, ठीक है, ये कौन सा था, इसलिए एक रिपोर्टर को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उसने ये बात एक सोशल मीडिया पोस्ट कर दी, उसने सोशल मीडिया पे कि ऐसे लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया, तो इसके लिए उस रिपोर्टर को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया कि तुमने ये खबर अपने न्यूज़पेपर में क्यों छापी कि हमने गिरफ्तार किया, दिस इज, बच के रहिएगा, फोन पे भी COVID-19 के पेशेंट से मत बात करिएगा आप। और देखिए इन कोयम्बटूर, कोयम्बटूर में क्या हुआ, कोयम्बटूर समझते हैं बच्चों, तमिलनाडु, कोयम्बटूर में क्या हुआ, पुलिस अरेस्टेड अ न्यूज पोर्टल फाउंडर,
यानी पुलिस ने एक न्यूज पोर्टल के फाउंडर को, उसके संस्थापक को गिरफ्तार कर लिया फॉलोइंग और रिपोर्ट। किस चीज का अनुसरण करते हुए गिरफ्तार किया? फॉलोइंग और रिपोर्ट। उस रिपोर्ट के आधार पर उस फाउंडर को गिरफ्तार कर लिया ऑन अलीज्ड करप्शन इन फूड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें उसने ये रिपोर्ट लगाई थी कि अलीज्ड करप्शन इन फूड डिस्ट्रीब्यूशन, कि भोजन के वितरण में कहीं न कहीं क्या हुआ था, अलीज्ड करप्शन, तथा कथित करप्शन, भ्रष्टाचार हुआ था एज पार्ट ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एफर्ट्स, जो कि किसकी तरफ से भ्रष्टाचार हुआ था, स्थानीय प्रशासन के प्रयासों से भ्रष्टाचार हुआ था टू हैंडल द फॉल आउट ऑफ द पैंडेमिक, जिसमें वो उस पैंडेमिक में जो फॉल आउट था, मीन्स जो विवाद था, उसको क्या कर रहे थे, वो हैंडल कर रहे थे। इस खबर के लिए भी उस न्यूज पोर्टल के फाउंडर को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। गजब है। इन दिल्ली, इतना ही नहीं बच्चों, दिल्ली में देखे क्या हुआ। और रिपोर्टर वास समन, ये भी पैसिव वॉयस है, यानी रिपोर्टर ने समन नहीं किया, रिपोर्टर को समन किया गया। वैसे भी रिपोर्टर समन नहीं कर सकता, कोर्ट या पुलिस समन करती है बच्चों, ठीक है। नॉर्मली समन इस आवाहन करने के सेंस में, आप भी किसी को, जादुई शक्तियों को या इस तरह के लोगों को आप समन कर सकते हैं। तो इन दिल्ली, दिल्ली में क्या हुआ, और रिपोर्टर वास समन, एक रिपोर्टर को समन जारी कर दिया गया, बुलावा भेज दिया गया इन रिस्पांस टू, इन रिस्पांस टू मीन्स के संबंध में, इन रिस्पांस टू के संबंध में, की प्रतिक्रिया में, के जवाब में, किस चीज की प्रतिक्रिया में, टू अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट की प्रतिक्रिया में उस रिपोर्टर को क्या किया गया, समन जारी कर दिया गया। दैट क्लेम्ड, जिस रिपोर्ट में यह दावा किया गया था दैट की एन ऑडियो क्लिप, कि जो एक ऑडियो क्लिप है परपर्टेडली कंटेनिंग अ स्पीच, जिसमें ये कहा जा रहा, यानी ये इरादतन एक ऐसी स्पीच को कंटेन किया गया, रखा गया है बाय द हेड ऑफ द तबलीगी जमात, जिसमें किसका स्पीच है, बाय द हेड ऑफ द तबलीगी जमात, मोहम्मद साद, आपको याद होगा। तो तबलीगी जमात के हेड, उसके मुखिया का एक स्पीच है जो इरादतन कंटेनिंग किया गया, उसमें रखा गया है, किसमें बच्चों, वो स्पीच किसमें है, उस ऑडियो क्लिप में है। तो उसमें यह दावा किया गया कि वो जो क्लिप है वाज डॉक्टर्ड, उस क्लिप को, ऑडियो क्लिप को क्या किया गया है, डॉक्टर्ड किया गया, मीन्स क्या किया गया, उसमें छेड़छाड़ की गई है। इस आधार पर भी उस रिपोर्टर को समन जारी कर दिया गया। मैं जानता हूं लाइन आपको थोड़ी सी मुश्किल हुई होगी, देखें फिर से देख लें, देखें बच्चों, कह रहे हैं कि इन दिल्ली, दिल्ली में अ रिपोर्टर वास समन, एक रिपोर्टर को समन जारी कर दिया गया इन रिस्पांस टू अ रिपोर्ट, किस चीज के जवाब में, एक रिपोर्ट के जवाब में, कौन सी रिपोर्ट बच्चों, जिस रिपोर्ट में दैट क्लेम्ड, जिसमें यह दावा किया गया था दैट, यानी उस रिपोर्ट में दावा किया गया था और उस रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्टर को समन जारी किया गया, ठीक है। वो रिपोर्ट क्या थी, देखिए, दैट क्लेम्ड, उस रिपोर्ट में यह दावा किया गया था, क्या दावा किया गया था, दैट की एन ऑडियो क्लिप, कि एक ऑडियो क्लिप है, ठीक है, वो ऑडियो क्लिप जो है परपर्टेडली कंटेनिंग अ स्पीच, जिसमें इरादतन एक स्पीच को शामिल किया गया, जिसमें है वो स्पीच, कौन सी स्पीच बच्चों, बाय द हेड ऑफ द तबलीगी जमात, जिसमें तबलीगी जमात के हेड का स्पीच है, लेकिन उसमें दावा यह किया गया कि वो जो स्पीच है, वो जो ऑडियो क्लिप है उस स्पीच की, उस ऑडियो क्लिप के साथ वाज डॉक्टर्ड, क्या की गई है, छेड़छाड़ की गई है, और इसी आधार पे दिल्ली के उस रिपोर्टर को समन जारी कर दिया गया, मीन्स उसे क्या किया गया, बुलावा भेज दिया गया। बच्चों ध्यान रखिएगा, वो दिल्ली के रिपोर्टर थे इसलिए समन जारी कर दिया गया, कहीं दूसरी जगह के होते तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया होता, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए और आगे देखते हैं, पहले वर्ड्स देख लें जल्दी से, कंसर्न यहां पे चिंता, मिसप्लेस्ड गलत, और कोई वर्ड आपका, क्वारंटाइन समझते हैं आप, अलग थलग कर लेना, फाउंडर संस्थापक, एलिज्ड करप्शन तथा कथित भ्रष्टाचार इन फूड डिस्ट्रीब्यूशन, किस चीज में भ्रष्टाचार हुआ था, भोजन वितरण में, एज पार्ट ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एफर्ट्स, और किसकी तरफ से किया गया था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एफर्ट्स, यानी स्थानीय प्रशासन के प्रयासों से किया गया था,
टू हैंडल द फॉल आउट ऑफ द पैंडेमिक। ये भोजन वितरण किस लिए किया जा रहा था, ताकि उस पैंडेमिक के फॉल आउट, उस बुरी चीज से हैंडल, उसको नियंत्रित किया जा सके। और इसमें जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इसमें जो एलिज्ड करप्शन हुआ, इसकी उसने क्या दे दी थी, खबर दे दी थी। और कोई वर्ड बच्चों, समन बुलावा भेजना, इन रिस्पांस टू के जवाब में, की प्रतिक्रिया स्वरूप, परपर्टेडली इरादतन जानबूझकर, और वाज डॉक्टर्ड मतलब जिसमें छेड़छाड़ की गई थी, ठीक है। और अब ये आपका लास्ट होगा आपका, हाँ ये थोड़ा सा है लेकिन ये लास्ट है आपका, देखें। वाइल आस्किंग अ जर्नलिस्ट, यानी एक जर्नलिस्ट से पूछना टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन, कि वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो, एक जर्नलिस्ट से ऐसा कहना मे नॉट बाई इट्सेल्फ बी इलीगल। यानी अगर आप एक जर्नलिस्ट से कहते हैं कि भाई आप इस जांच में क्या हो, शामिल हो, तो मे नॉट बाई इट्सेल्फ बी इलीगल, ये कतई इलीगल नहीं होगा, गैर कानूनी नहीं है। यानी यदि सरकार कहती है, प्रशासन कहता है, पुलिस कहती है कि जर्नलिस्ट को इन्वेस्टिगेशन में साथ देना चाहिए, शामिल होना चाहिए, ये गलत नहीं है, लेकिन द पुलिस शुड नॉट यूज फर्स्ट फॉर्म, शुड नॉट यूज द पावर, नहीं, पुलिस को वो ताकत यानी उस पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप समन्स, कौन सी पावर, जिसमें आप बुलावा भेज सकते हो टू इंटिमिडेट रिपोर्टर्स, और ये बुलावा आप किस लिए भेज रहे हैं बच्चों, ताकि आप उन रिपोर्टर्स को क्या कर सकें, डरा सकें, आर या एक्सट्रैक्ट डिटेल्स ऑफ द सोर्स, या फिर आप स्रोत का जो विवरण है, आप एक्सट्रैक्ट उस जानकारी को क्या कर सकें, उगलवा सकें, निकलवा सकें। एक्सट्रैक्ट मीन्स निकलवाना, उगलवाना, यानी आप अपनी पावर का इस्तेमाल इसलिए नहीं करिए कि आप उनको समन्स भेजें ताकि वो बेचारे क्या हो जाए, डर जाए रिपोर्टर्स, और आप इसलिए ऐसा करें ताकि आप उनसे जो सोर्स है, जरिया, आप उसकी जानकारी को क्या कर सकें, निकलवा सकें, इसलिए यानी रिपोर्टर्स को डराने के लिए या उनसे उस सोर्स की जानकारी उगलवाने के लिए आप उन्हें समन्स जारी कर देते हैं। आपको इस प्रकार की पावर का गलत यूज नहीं करना चाहिए, किसको, पुलिस को। देयर ऑट टू बी, ऑट टू बी इज इक्वल टू नियरली शुड के बराबर होता है, ठीक है। देयर ऑट टू बी ग्रेटर रिस्ट्रेंट, यानी और प्रतिबंधित होना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए, वाइल इनवोकिंग स्पेशल प्रोविजन, नहीं, जब आप विशेष प्रावधानों का इनवोकिंग यानी उपयोग में ले आ रहे हैं, उनको यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर क्या होना चाहिए, रिस्ट्रेंट होना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए। रिलेटिंग, कौन से प्रावधान बच्चों, रिलेटिंग टू हैंडलिंग डिजास्टर्स, जो प्रावधान किस लिए बने हैं, हैंडलिंग डिजास्टर्स, उन आपदाओं से निपटने के लिए, एंड एपिडेमिक्स, और किन से निपटने के लिए, महामारियों से निपटने के लिए, यानी जो महामारियों से निपटने के लिए, आपदाओं से निपटने के लिए जो प्रोविजंस बने हैं, आप उन्हें और प्रतिबंधित करें कि पुलिस उनका बेवजह इस्तेमाल न कर पाए, ठीक है। सेक्शन 54 वनली पेनलाइज, सेक्शन 54 आपने पढ़ा था ना, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को पावर देता है, तो सेक्शन 54 जो है वनली पेनलाइज, ये केवल सजा देता है द स्प्रेडिंग ऑफ पैनिक, यदि क्या फैलाया जा रहा हो, भय फैलाया जा रहा हो, रिलेटिंग टू द सीवियरिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ डिजास्टर, जो भय किससे संबंधित हो, रिलेटिंग टू द सीवियरिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ डिजास्टर, जो किसी आपदा की अधिकता या उसकी गंभीरता से संबंधित हो, यदि ऐसा कोई भय फैलाया जा रहा हो तो आप सेक्शन 54 के तहत आप उसे पेनलाइज कर सकते हैं, दंडित कर सकते हैं। क्लेमिंग, जिसमें दावा किया गया हो फालसली, गलत तरीके से, फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, दैट की अ डैम हैड ब्रीच्ड, जैसे कोई ये कह दे अरे बंधा टूट गया, और ये खबर क्या हो, गलत हो, तो सेक्शन 54 के तहत आप उसे क्या कर सकते हैं बच्चों, पेनलाइज कर सकते हैं, लेकिन वो सेक्शन 54 जो है डज नॉट एक्सटेंड टू मेयर इनकरेक्ट रिपोर्टिंग, लेकिन आप गलत खबर के लिए आप इसको बढ़ा नहीं सकते हैं, किसको, सेक्शन 54 को, यानी किसी ने गलत रिपोर्टिंग कर दी तो भी आप उसे क्या कर दें, बंद कर दें, गिरफ्तार कर लें, सेक्शन 54 का ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेक्शन 54 का इस्तेमाल क्यों कर सकते हैं आप, तब जब किसी ने गलत खबर दे दी हो, ऐसी खबर जिससे पैनिक फैले, मीन्स भय फैले, और लेखक ने एग्जाम्पल दिया, जैसे कोई ये कह दे
अ डैम हैड ब्रीच्ड, कि बंधा टूट गया, अब लोग डर जाएंगे, ये पैनिक कोई फैलाए तो आप सेक्शन 54 का इस्तेमाल करिए। लेकिन आप अगर कोई केवल गलत रिपोर्टिंग कर दे तो आप इसके लिए आप सेक्शन 54 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये लास्ट पैसेज थोड़ा सा आपका है, देख लें, इन नॉर्मल सर्कमस्टांस, सामान्य परिस्थितियों में द अथॉरिटीज, जो अधिकारी होते हैं, ऑट टू बी मीन्स होना, ऑट टू बी कंटेंट, उन्हें संतुष्ट हो जाना चाहिए, किससे, विद गेटिंग देयर वर्जन आर रिस्पांस टू बी कैरिड, यानी उन्हें संतुष्ट हो जाना चाहिए कि उनका जो वर्जन या रिस्पांस, उनकी जो प्रतिक्रिया है, टू बी कैरिड, उसे फॉलो कर लिया गया, मान लिया गया है, किसके द्वारा, बाय द न्यूज आउटलेट्स, यानी इन समाचार के प्रतिष्ठानों के द्वारा, कंसर्न, जो आउटलेट यानी समाचार के प्रतिष्ठान, संस्थाएं, कंसर्न क्या है, संबंधित है, यानी पुलिस को, यानी अथॉरिटी जो है, उन्हें इस बात से संतुष्ट हो जाना चाहिए कि उनका जो वर्जन है, उनका जो रिस्पांस है, वो कैरिड, वो पूरा कर लिया गया है बाय द न्यूज आउटलेट्स कंसर्न, संबंधित न्यूज आउटलेट्स के द्वारा, एंड और उन अथॉरिटीज को, एंड किसके लिए है, अथॉरिटीज के द्वारा, एंड नॉट सीक टू यूज द पैंडेमिक, और उन्हें इस महामारी का उपयोग इस रूप में नहीं करना चाहिए, किस रूप में बच्चों, एज एन एक्सक्यूज टू कर्ब इनकन्वीनियंट रिपोर्टिंग, कि वो एक असुविधाजनक रिपोर्टिंग को, इस पैंडेमिक को कर्ब करने के लिए क्या बना लें, एक्सक्यूज बना लें, मीन्स ये कह दें कि हाँ ये इनकन्वीनियंट रिपोर्टिंग हो रही है और ये महामारी फैली हुई है, और इसी महामारी को एक एक्सक्यूज बना लें कि हम इस इनकन्वीनियंट रिपोर्टिंग को क्या करेंगे, कर्ब करेंगे, नियंत्रित करेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो महामारी में दिक्कत आएगी। अरे भाई, इनकन्वीनियंट रिपोर्टिंग से महामारी में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यानी अथॉरिटीज़ को इस पैंडेमिक को अपना एक्सक्यूज नहीं बनाना चाहिए, अपनी ताकत नहीं बनानी चाहिए, जिस ताकत का इस्तेमाल करके वो उन इनकन्वीनियंट खबरों को क्या कर सकते हों, कर्ब कर सकते हों, नियंत्रित कर सकते हों। ठीक है, चलिए लास्ट सेक्शन अपने देख लें, ये वर्ड्स हैं, देख लें फास्ट। तो सेडिशन याद हो गया बच्चों, सेडिशन याद हो गया, एजिटेशन मीन्स राजद्रोह, रेबल राउजिंग, सप्रेश याद हो गया, सबड्यू कर देना, दबा देना, एक तरह से अपने अधीन कर लेना या आंसुओं वगैरह को रोक लेना, इस सेंस में भी फ्रीक्वेंटली, तो बहुत बार आप जानते हैं जो चीज़ ऑफन टाइम्स होता, बार बार होता, वो फ्रीक्वेंटली हो रहा है। इनकन्वीनियंट, दैट इज नॉट वट गुड फॉर यू, जो चीज़ आपके लिए सुविधाजनक नहीं, सही नहीं है, वो आपके लिए इनकन्वीनियंट होता है। आउटब्रेक, किसी चीज़ की बिगिनिंग, उसकी स्टार्ट। एक्रॉस, फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक तरफ से दूसरी तरफ, यानी हर तरफ। पोर्टल, पोर्टल को पोर्टल ही जाने या प्रवेश द्वार के रूप में जान लें। प्रोविजंस, जो लॉज होते हैं, मीन्स प्रावधान। इनैक्ट, किसी चीज को इफेक्ट में ले आना, लागू करना। र्यूमर मीन्स अफवाह। डिजास्टर्स मीन्स कैलामिटी, कैटास्ट्रॉफी मीन्स आपदा, विपदा। एग्रीजियस, जो हॉरिबल है, टेरिबल है, भयानक है, भीषण है। इनवेरिबली, दैट इज नॉट गोइंग टू बी वैरीड, अर्थात जो बदले न, नियमित रहे, स्थिर रहे। फॉल बैक अपॉन मीन्स टू टेक अ रिकोर्स, किसी चीज़ का आसरा लेना। इंटिमिडेट, किसी को फ्राइटन करना, स्केयर करना, डरा देना। कंसर्न, दो हो सकता है, वर्ब के रूप में जो चिंतित है, और उसी एडजेक्टिव के रूप में जो संबंधित है। ठीक है, स्पेक्यूलेट, चिंतन करना, थिंक करना, कंसिडर करना। एलिज्ड, मैंने यहां एडजेक्टिव के रूप में दिया है, तथा कथित, अर्थात जिस पर आरोप लगाया गया है। इनेप्ट, जो एडेप्ट न हो, अर्थात अयोग्य। कॉम्बैट, वर्ब के रूप में लड़ना, मीन्स किसी चीज के खिलाफ लड़ना, और नाउन के रूप में लड़ाई, बैटल। पैंडेमिक, महामारी, पेस्टिलेंस। सक्सेसर, जो आपका उत्तराधिकारी हो, एयर, ये वर्ड याद होगा बच्चों आपको, एच ई आई आर है, एयर मीन्स उत्तराधिकारी। बीफडलिंग, जो आपको परप्लेक्स करे, मीन्स कन्फ्यूज करे, कन्फाउंड करे। रिगार्डलेस, बिना परवाह किए। डिसग्रंटल, जो सेटिस्फाइड न हो, अर्थात नाराज, रुष्ट। इनएडिक्वेट, जो प्लेथोरा में ना हो, अधिकता में ना हो, अर्थात जिसकी कमी हो, लैकुना हो। प्रोसिक्यूशन मीन्स अभियोग, अभियोजन, मुकदमा।
पैनिक, भय, डर, फ्राइट, फॉलआउट अर्थात कोई बुरी चीज, मीन्स जो विवाद का विषय हो, समंड दोनों अर्थ में, एडजेक्टिव छोड़ दें तो बुलाने के सेंस में, इन रिस्पॉन्स टू क्री की प्रतिक्रिया स्वरूप के जवाब में, परपरेटेडली जानबूझकर इरादतन, डॉक्टर्ड वर्ब के रूप में छेड़छाड़ किया, बदलाव किया अपने पर्पस को पूरा करने के लिए, एक्सट्रैक्ट किसी चीज में से कोई अंश लेना, निकालना, उगलवाना, रिस्ट्रेंट कोई कंट्रोलिंग प्रतिबंध, इनवोकिंग आवाहन करना, पेनलाइज किसी को पेनाल्टी लगाना मीन्स दंडित करना, सीवियरिटी जो बहुत स्ट्रिक्ट हो मीन्स कठोर हो, तो कठोरता हो जाएगा नाउन के रूप में, मैग्नीट्यूड अधिकता किसी चीज की, इंस्टांस एग्जाम्पल उदाहरण, ब्रीचड जो चीज उल्लंघन की गई हो, तोड़ी गई हो किसी नियम कानून को, एग्रीमेंट को, सर्कमस्टांसेस परिस्थितियां कंडीशंस, कंटेंट संतुष्ट, और आउटलेट्स यहाँ पे जो व्यापारिक सॉरी बल्कि आप कहिए जो समाचारों वगैरह संबंधित प्रतिष्ठानें संस्थाएं होती हैं वो आउटलेट्स होते हैं, वैसे आउटलेट्स मीन्स कोई दुकानें या बाजार वगैरह भी होता है, ठीक है। और ये बिल्कुल मैंने दिया है आपके लिए, वर्ड्स नहीं, जरूर पढ़िएगा, इंटीमिडेट का यूज़ कैसे करें, सप्रेस का यूज़ कैसे करें, डिसग्रंटल का यूज़ कैसे करें, शेडिसन का यूज़ कैसे करें, प्रोसिक्यूशन यूज़ कैसे, इसे पढ़ेंगे हिंदी में तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है बच्चों। मेरा टेलीग्राम का जो चैनल है जरूर ज्वाइन करें, इसी के साथ जब आप जाएंगे तो जो PDF की फाइल है वहाँ मिल जाएगी, और क्विज़ जो वर्ड्स आप पढ़ते हैं उन पर क्विज़ बनाई जाती है वहाँ पे, उसे जरूर सॉल्व करें, अभी वो टाइम बाउंड है लेकिन आप ऐसे मिल जाएगा आपको, उसे जरूर सॉल्व करें, फ़ायदा होगा एक्सरसाइज के रूप में आपको। और जो बच्चे नए हों वो प्लेलिस्ट में जाकर के सबसे देख सकते हैं, एडिटोरियल सेक्शन पूरा प्लेलिस्ट में जाएं, सारे एडिटोरियल्स आपको मिल जाएंगे, जो वर्ब से संबंधित मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स एक्सरसाइजेस हैं वो आपको वर्ब के कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें, वहाँ इकट्ठा सारी चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगे, अगर आप शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आज शाम को फिर 5 बजे से दिलशेर सर की क्लास जो बेसिक्स ऑफ मैथ्स है उसके लिए जरूर ज्वाइन करें, फायदा होगा, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लास्ट सेट के लिए जिसमें एक्सरसाइज का मैं लास्ट सेट आपको दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर इसके बाद कल, यानी एडिटोरियल के सेक्शन में कल 9 बजे आपसे मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए विदा दीजिए, थैंक यू।